हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश राज्य के पूरे एक साल के करंट अफेयर कवर करूंगा, जनवरी से दिसंबर 2017। आने वाला जो एग्जाम है मध्य प्रदेश पीएससी का, जो आने ही वाला है, या फिर मध्य प्रदेश राज्य के कोई भी एग्जाम, पटवारी, तहसीलदार या लोअर एग्जाम होते हैं, एक्साइज, इंस्पेक्टर, व्यापम, सब में ये वीडियो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सिर्फ ये एक वीडियो काफी है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कवर करूंगा पूरे साल के। लंबा होगा ये वीडियो, लगभग 3 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं फिर किसी भी एग्जाम में आप आराम से 60-70% नंबर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उनमें राज्य की जीके बहुत ही डिटेल में पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी का पेनड्राइव कोर्स लॉन्च करेगा 15 मार्च को। ये कोर्स, इसमें पूरा मध्य प्रदेश का जीके और साथ में जो भी पॉलिटी है या हिस्ट्री, सब कुछ कवर किया जाएगा। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और कोर्सेज आते हैं, जैसे एसएससी बैंक पीओ के लिए आता है, लॉ एग्जाम, यूपीएससी के लिए हमारे ऑप्शनल और जीएस सबके लिए कोर्सेज आते हैं। कोई भी कोर्स अगर आप हमारा खरीदना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, एक बार हमारी वेबसाइट studyiq.com पर जाकर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारी लगभग 5 या 6 तारीख तक हमारी सेल भी चल रही है न्यू ईयर, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगभग 5000 स्टूडेंट्स और फेसबुक पे लगभग 70,000 स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं। आप अपनी कोई क्वेरीज एग्जाम संबंधी या फिर कैरियर से रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। या फिर आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है gaurav_88। सो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने जो औद्योगिक संवर्धन नीति है, यानी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। 2014 की पॉलिसी है, अब इसमें कुछ बदलाव ये आया है कि इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट स्कीम। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में कोई पूंजी निवेश करना चाहता है तो उसमें हम संवर्धन कैसे करें और उसको संवर्धन करने में जो सहायता होगी वो कैसे दें, तो इसके लिए इन्होंने ये डिसाइड किया है। अगर दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कम निवेश करते हैं, और एक जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लार्ज इन्वेस्टर, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको 40% तक का पूंजी अनुदान दिया जाएगा, यानी ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, या 100 रुपये मान लो मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक मुझे ये बोलेगा कि 40% आपको पूंजी अनुदान हमारी तरफ से, यानी वापस आपको सिर्फ 60 करना है, तो उसको बोलते हैं पूंजी अनुदान। तो छोटे इन्वेस्टर को 40% तक और बड़े इन्वेस्टर को 10% तक मैक्सिमम ये पूंजी अनुदान दिया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने जो इनकी औद्योगिक संवर्धन नीति है 2014 की, उसमें संशोधन किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि जो टेम्परेरी पोस्ट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में 4,633 टेम्परेरी नौकरियां हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह भी डिसाइड करा है कि कुंडलिया मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट, कुंडलिया जो बांध है, कुंडलिया सिंचाई प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो लोग वहां से डिस्प्लेस हुए हैं, हमेशा जब भी कोई डैम बनता है तो वहां से जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है, तो वो जो लोग हटे हैं वहां से, उनके उनके विकास के लिए या उनको दोबारा सेटल करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए 81 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लगभग 6,000 लोग हैं जिन्हें वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि कुंडलिया प्रोजेक्ट बन रहा था वहां पे। और ये प्रोजेक्ट कहां बन रहा है? जीरापुर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजगढ़। इसके अलावा 2 डिसीजन और लिए हैं। पहला ये कि मध्य प्रदेश की सरकार एनटीपीसी का एक प्लांट है, पावर प्लांट, वो लगा रही है। इसकी क्षमता है टोटल 2 लगेंगे, एक की क्षमता होगी 660 मेगावाट, तो 2 लगेंगे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1320 मेगावाट क्षमता के का प्लांट होगा टोटल। और ये लग रहा है सनवाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट है खारगोन डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए जो जमीन है लगभग 23 हेक्टेयर की जमीन अलॉट कर दी है। इसके अलावा एक छोटा सा और फैसला ये हुआ है कि अगर समाज में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कोई कार्य करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार उसे पुरस्कार देती है, पुरस्कार योजना नियम 2014 के तहत। अब इसका नाम पलट दिया है, अब इसका नाम रख दिया गया है संत श्री सेवालाल महाराज के नाम पे, तो इस पे और अनाउंसमेंट अभी होगी। संत श्री सेवालाल महाराज, जिन्होंने जो बंजारा कम्युनिटी है, बंजारा समुदाय, उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया था। 18वीं शताब्दी में ये संत धरती पे आए थे, और पुरस्कार योजना नियम का नाम अब हो जाएगा संत श्री सेवालाल महाराज जी के नाम पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में, यानी जो सेंट्रल इंडिया है हमारा, जो मध्य भारत, उसमें जो फॉरेस्ट हैं, जो वन हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं उनके विकास के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये
वहाँ पे वन से जो लकड़ी मिलती है या जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वगैरह हैं उन पे निर्भर करते हैं, और अगर हम फॉरेस्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ रहने वाले जो कम्युनिटी हैं उनकी उनका भी विकास होगा। इसके लिए विश्व बैंक ने लोन दिया है $24.6 मिलियन। $1 मिलियन होता है 6.5 करोड़ रुपये, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा लगभग 150 करोड़ रुपये का लोन दिया है। ये 150 करोड़ रुपये का लोन किसे दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, वहाँ के वनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मध्य प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड होता है इस्लामिक, और ये हर स्टेट में भी होता है, तो मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड भारत का पहला वक्फ बोर्ड बना है जिसने जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं किन्नर या हिजड़ा या खुसरा समाज बोलते हैं, तो ट्रांसजेंडर के राइट्स को एक्नॉलेज किया है। ट्रांसजेंडर को समुदाय को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड ने 5 मेंबर अपॉइंट किए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, और उनको ये कहा है कि वो एक ग्रेवयार्ड है और उसको वो मैनेज कर सकते हैं, यानी उनको ड्यूटी पे लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड भारत का पहला वक्फ बोर्ड बना है। अब मध्य प्रदेश में एक अभी न्यूज़ में काफ़ी आया, ये एक हिंगोट युद्ध होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह का ये त्यौहार कह सकते हैं या एक त्यौहार होता है दिवाली के एक दिन बाद, इसको बोलते हैं ढोक पड़वा दिवस। ढोक पड़वा दिवस दिवाली के एक दिन बाद, और ये एक जगह है जिसको बोलते हैं गौतमपुरा का मंदिर है, यहाँ पे इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर। यहाँ पे क्या होता है, ये हिंगोट, ये एक कोकोनट की तरह ये एक फल होता है, तो लोग क्या करते हैं इसके बीच में भर देते हैं गन पाउडर और उसमें आग लगा देते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो ये एक त्यौहार है एक तरह का, और इस त्यौहार को बंद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन इस बार बहुत लोग इंजर्ड हो गए इसमें, हर बार की तरह लगभग 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए और 3 काफ़ी क्रिटिकली, काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए। तो ये त्यौहार आप याद रखिए बस, इसमें ये हिंगोट वार चलती है, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंकते हैं, और ये आग के गोले कैसे बनते हैं, हिंगोट का जो फ्रूट होता है, जो फल होता है, उसके बीच में गन पाउडर भर देते हैं। चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए चंबल नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है दो राज्यों के लिए, राजस्थान के लिए, आप जानते हैं राजस्थान में जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है, कोटा जो कोचिंग वगैरह के लिए फेमस, आपने सुना होगा कोटा, और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य हैं जिनमें चंबल नदी बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और चंबल नदी का पानी दोनों राज्यों में डिवाइड होता है 50-50, मतलब आधा उसके पास आधा उसके पास, ये इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है आपस में। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि रबी सीजन स्टार्ट हो गया है, जो विंटर ग्रोइंग सीजन है जिसमें गेहूं वगैरह उगाते हैं, तो दोनों राज्यों को पानी की जरूरत है। तो चंबल जो कनाल है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है आपस में, और चंबल कनाल का जो पानी है राजस्थान कम दे रहा है मध्य प्रदेश को, तो चंबल कनाल से फायदा किस किस का होता है? मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट का फायदा होता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर, और राजस्थान का फायदा होता है बरन डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिस्ट्रिक्ट का। राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश नाराज हो गया क्योंकि राजस्थान ने पानी कम दिया, इस कनाल में पानी कम छोड़ा, इसीलिए मध्य प्रदेश ने भी क्या किया, गांधी सागर जो सेतु है, गांधी सागर डैम, गांधी सागर जो बांध है उसका पानी कम छोड़ा है। तो ये दोनों में अब वो एक तरह का वॉर चल रहा है, और इसके लिए केंद्र सरकार अब दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएगी, और अब देखना होगा कैसे ये सुलझता है। लेकिन याद रखिए चंबल कनाल का पानी राजस्थान ने कम दिया और बदले में मध्य प्रदेश ने गांधी सागर डैम का पानी नहीं दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, ये एक 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 6 महीने के अंदर 3300 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं नंगे पैर चलूंगा। तो ये माँ नर्मदा को मेरी वो है, भेंट है, और ओपोजिशन कह रही है कि एक पॉलिटिकल मूव है, एनीवेज तो 6 महीने ये नंगे पैर चलेंगे नर्मदा के किनारे, 3300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, ये इन्होंने अनाउंस किया है। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है, अभी आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान अमेरिका गए थे, और मध्य प्रदेश जो है वो अमेरिका की मार्केट पे अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। उसके लिए इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है लैटिट्यूड इंटरनेशनल, इससे करार किया है अगले 5 साल के लिए, ये मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास करेगी। और मध्य प्रदेश जो है ये कई तरह के वर्कशॉप क्रिएट कर रहा है, जैसे नवंबर के महीने में 3 वर्कशॉप होंगे न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस में, दिसंबर में होंगे, और एक यूनाइटेड स्टेट्स टूर ऑपरेटर एसोसिएशन इसमें भी हिस्सा लेगा, ये नवंबर में होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका में 3 स्थान है, न्यूयॉर्क है एक तो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, यहाँ पर दिसंबर के अंदर, और एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन नवंबर के अंदर, इसमें मध्य प्रदेश भी हिस्सा लेगा, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो हिस्सा लेगा। और मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा, एक तो है भीमबेटका, एक है सांची स्तूपा, और एक है खजुराहो के मंदिर। भीमबेटका की गुफाएं,
सांची के स्तूप और खजुराहो के मंदिर, ये हैं तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मध्य प्रदेश ये कोशिश कर रहा है कि विदेशी टूरिस्ट मध्य प्रदेश में ज्यादा आए। भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है दूध उत्पादन में, ये भी याद रखिए। और ये अनाउंस करा है मध्य प्रदेश के पशुधन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने। मध्य प्रदेश पिछले साल चौथे नंबर पे था, इस साल तीसरे नंबर पे है, एक पायदान ऊपर खिसक गया है। और मध्य प्रदेश ने नई पैकेजिंग अनाउंस करी है सांची घी के 5 किलो और 15 किलो के पैक के लिए। ये जो नई पैकिंग है इसमें आसानी से कोई टेम्पर नहीं कर सकता, तो घी में मिलावट नहीं हो सकती। और मध्य प्रदेश ने भी ये कहा है कि जो केंद्र सरकार का निर्णय है कि हम फार्मर की इनकम को दुगना कर देंगे 2022 तक, हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। याद रखिए, ये जो सांची घी है ये मध्य प्रदेश का सरकारी घी है, मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इसे बनाता है। मध्य प्रदेश जो है उसे हम एक जल पर्यटन यानी वाटर टूरिज्म के तौर पर डेवलप करेंगे, ये अनाउंसमेंट करा है वहां के पर्यटन मंत्री ने और शिवराज सिंह चौहान ने भी। इसमें हो क्या रहा है देखिए, जो मुख्य नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, उसमें कुछ ऐसे नकली टापू जिन्हें कहते हैं आइलैंड बनाए जाएंगे। नदी के बीच में भी आइलैंड हो सकता है, टापू जरूरी नहीं है समुद्र के बीच में होता है। तो कुछ ऐसे आइलैंड वगैरह क्रिएट किए जाएंगे और वहां पे जल क्रीड़ा वगैरह करवाई जाएगी। और एक जल महोत्सव भी शुरू हुआ है, ये 2.5 महीने चलेगा जल महोत्सव, और ये 2 जनवरी 2018 को खत्म होगा। ये जल महोत्सव कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है हनुवंतिया टापू पे। हनुवंतिया टापू जो है ये इंदिरा सागर जो डैम है, बांध है, उसके बैकवाटर्स के अंदर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हनुवंतिया है। इसके अलावा गांधी सागर डैम, बरगी डैम वगैरह पे भी, जो भोपाल के आसपास हैं या भोपाल के अंदर हैं, वहाँ पे भी जो टूरिज्म डेस्टिनेशन क्रिएट किए जाएंगे जिनमें जल क्रीड़ा और जल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी पर्यटन पर्व टूरिज्म फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, और इस बार उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक एक रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनेगी। यहाँ पे उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक एक टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बनेगा। ये जो याद रखिए टूरिज्म सर्किट बनाए जा रहे हैं, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं, जो जिसमें 100% फंडिंग दे रही है केंद्र सरकार। और हमारे पर्यटन मंत्री हैं के जे अल्फोंस। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक खाद्य आयोग बनाया है, यानी एक फूड कमीशन बनाया है। जो खाद्य सुरक्षा विधेयक पास हो गया था, खाद्य सुरक्षा कानून, उसको ये लागू करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और 4 मेंबर हैं इसमें फूड कमीशन में, खाद्य आयोग में, और ये 21 जुलाई को बनाया था। इसके जो हेड हैं वो होंगे IAS ऑफिसर रिटायर्ड राज किशोर स्वैन। और इसका काम होगा मिड डे मील स्कीम को लागू करना, जो खाद्यान्न है उनका वितरण करना यानी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना इत्यादि। अब इसमें एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को कहा था कि उन्हें खाद्य आयोग तुरंत बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, कई राज्य थे जिनमें फूड कमीशन नहीं बना था। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके तहत एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो खाद्यान्न बहुत ही सस्ते दामों में मिलने का प्रावधान है। चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, और जो मिलेट वगैरह हैं कोर्स ग्रेन वो 1 रुपये किलो। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीरियल्स ले सकती है। मध्य प्रदेश जो है उसने डिजिटल इनिशिएटिव्स में 1 टॉप किया है, ये कोएस एज कंसल्टिंग कंपनी ने कहा है। यानी डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए राज्यों को जो वहाँ के गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनमें मध्य प्रदेश 1 है। तो मध्य प्रदेश का स्कोर था 100.1, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पे है कर्नाटक। मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा में बहुत सारे किसान हैं मध्य प्रदेश में जो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक 2-3 महीने से कोई भी जो उनका मुआवजा होता है वो नहीं दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 172 रुपये पर दिन के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए का उधार है स्टेट के ऊपर, यानी 1200 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं। मध्य प्रदेश ने यह अनाउंस करा है कि वो एक कंटिंजेंसी बजट बनाएगा जिसमें 1000 करोड़ रुपए रखेगा, जिसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट के तहत जो लोग काम करते हैं 100 दिन साल में हर साल, उनको पैसा दे सकेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री हैं गोपाल भार्गव, याद रखिए। और मध्य प्रदेश में 29 लाख लोग हैं जो मनरेगा में, जिनको लाभ मिलता है। 29 लाख परिवार है, 29 लाख फैमिली है, ये मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है। मध्य प्रदेश ने पहले ये कहा था, देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च अगले साल तक चलता है। जैसे अभी चल रहा है वित्तीय वर्ष 2017-18, ये 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल या वित्तीय वर्ष।
अब मध्य प्रदेश ने यह अनाउंस करा था, मध्य प्रदेश ऐसा अनाउंस करने वाला भारत का पहला राज्य था जिसने ये कहा था कि हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे वित्तीय वर्ष और 31 दिसंबर तक, यानी जो कैलेंडर ईयर होता है उसी से हम वित्तीय वर्ष भी चलाएंगे। लेकिन अब इन्होंने अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने जनवरी से दिसंबर तक का फिस्कल साइकिल अडॉप्ट किया था, और झारखंड था दूसरा। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपना एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है, और आंध्र प्रदेश है भारत का दूसरा, और इसके फाइनेंस मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के जयंत मालवीय। मध्य प्रदेश ने भी दिवाली पे इस बार पटाखे बैन कर दिए, सारे बैन नहीं किए, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे सिर्फ उन्हीं को बैन किया है नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए, और रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक पटाखे नहीं चल सकते थे वो भी बैन किया था। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हैं अंतर सिंह आर्या, और केंद्र सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो कौन से पटाखे बैन किए थे? वो पटाखे जिनकी आवाज़ 125 डेसिबल AI या 145 डेसिबल C से ज़्यादा थी उनको बैन कर दिया था। मध्य प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल पे जो वैट है वो कम कर दिया है। मध्य प्रदेश ने डीजल पे 5% वैट वैल्यू एडेड टैक्स और पेट्रोल पे 3% वैट कम कर दिया है। ये भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का 5वां राज्य है, क्योंकि जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिर रही है, इसीलिए कई राज्य हैं जिन्होंने वैट ड्यूटी कम कर दी है जिससे लोगों की जेबों पर ज़्यादा भार ना पड़े। तो कौन कौन से राज्य हैं मध्य प्रदेश से पहले 4 जिन्होंने किया है, मध्य प्रदेश 5वां है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड तीनों में बीजेपी की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है, ये 4 राज्य हैं जिन्होंने वैट कम किया है। अभी भोपाल के अंदर एक बाल संसद का आयोजन किया गया। बाल संसद का पर्पज ये था कि बच्चों को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में एजुकेट किया जाए, और साथ ही साथ बच्चों का जो यौन शोषण होता है, बच्चों का जो शारीरिक शोषण होता है, या बच्चों का जो आर्थिक शोषण होता है जैसे बंधवा मजदूरी करवा के, वो सब ना हो, तो इस बारे में जागरूकता फैलाई गई, और बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में भी जागरूकता दी गई, यानी डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की गई। जैसे कंप्यूटर हैक वगैरह हो जाता है वो साइबर क्राइम का हिस्सा होता है, तो कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं इस बारे में भी एजुकेशन दिया गया बाल संसद में, भोपाल में आयोजित की गई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको ऑर्गेनाइज करा मध्य प्रदेश के बच्चों के जो अधिकारों के लिए काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और वर्ल्ड विजन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके, और यहाँ पे 10 साल का एक बच्चा है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, इसका नाम है अब्दुल कादिर, इसका पूरा नाम है अब्दुल कादिर इंदौरी, और ये रतलाम से है। ये बिना हाथ का बच्चा है, यानी इसके हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये चैंपियन है, स्विमिंग चैंपियन, ये तैराकी करता है। और एक बात और, मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2017 को बाल शोषण समाप्ति अभियान का भी शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है रतापणी। रतापणी में एक 10 साल की बच्ची को टाइगर खा गया वहां पे, और एक बात याद रखिए, रतापणी में 11 टाइगर हैं आज की तारीख में, और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तो हाँ कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन अब थोड़े ही समय की बात है इसको फिर ये दर्जा मिल जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं, जो पुराने लोकायुक्त थे पीपी नावलेकर, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी थे, पूर्व जज थे, ये अब रिटायर हो गए थे जून 2016 में, तब से ये पोजीशन खाली पड़ी थी, लगभग आप कह सकते हैं 17 महीनों से ये पोजीशन खाली पड़ी थी। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं ओम्बड्समैन, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, इनका नाम है नरेश कुमार गुप्ता, और जब भी कोई लोकायुक्त होता है उसे शपथ गवर्नर दिलाता है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली ने उन्हें शपथ दिलाई राजभवन में, राजभवन बोलते हैं गवर्नर के निवास को। मध्य प्रदेश ने 2017 में अब तक, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक 17 टाइगर वहाँ पे मर चुके हैं, ये कहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। भारत में पूरी दुनिया के 70% टाइगर हैं, भारत को टाइगर कंट्री बोलते हैं, और भारत में सब जगह टाइगर हैं, कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड में, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। किसी जमाने में मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते थे। कर्नाटक में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कुद्रेमुखा है, जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है कर्नाटक में, वो कुद्रेमुखा है, 2013 में बना था टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आंशी, बनरगट्टा, बांदीपुर, नागरहोले, बहुत सारे हैं, और उत्तराखंड में 2 सबसे फेमस है, राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी भी बना था 2013 में, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था 2013 में, और जिम कॉर्बेट जो सबसे पहला था। तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है भारत में टाइगर की गिनती में। तो मध्य प्रदेश में 17 टाइगर मर चुके हैं इस साल ऑलरेडी, जनवरी से सितंबर तक। भारत में जनवरी से लेकर सितंबर तक टोटल 71 टाइगर मरे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मरे हैं 17, फिर कर्नाटक में 14, और फिर महाराष्ट्र में 12, और उत्तराखंड में भी 12। और पिछले साल टोटल 100 टाइगर मरे थे, उनमें अगेन सब ज्यादा मध्य प्रदेश में मरे थे, वो थे 30, ये कहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। मध्य प्रदेश ने, सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है विधवाओं को एम्पावर करने के लिए।
अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में विधवा से शादी करता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। इससे जो जो विधवा पुनर्विवाह है वो दोबारा सुनिश्चित हो पाएगा, लोग आगे आएंगे, चाहे पैसों के लालच में ही आएं लेकिन आएंगे। और जो विधवा है उसकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और 18 से ज़्यादा होनी चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि 18 तो लड़कियों के लिए एज ही होती है, यानी 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और सरकार ये कह रही है इस स्कीम के तहत, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 1000 कम से कम विधवाओं की शादी हर साल ज़्यादा होगी जितनी अब होती है उससे, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुलाई में मध्य प्रदेश की सरकार को और बाकी सरकारों को भी कि आप कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे विधवाओं का पुनर्विवाह उसमें बढ़ोतरी हो। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए रखे हैं हर साल। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक यात्रा शुरू करी है जिसका नाम है एकात्म यात्रा। ये जो मशहूर संत थे आदि शंकराचार्य जी, इनको सम्मानित करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का एक स्टैचू बन रहा है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, और ये 108 फीट का स्टैचू है आदि शंकराचार्य जी का, ओमकारेश्वर में बन रहा है। और जो ओमकारेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव का मंदिर है, भोपाल से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। और सरकार ये चाहती है कि ऐसा यात्रा करने से और इनका स्टैचू बनाने से जो जो आदि शंकराचार्य जी हैं इनके बारे में सबको पता चलेगा। और एक बात याद रखिए, इसके लिए वो एक मेटल पीस कलेक्ट कर रही है। कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में जैसे वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बन रहा है उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि सब लोहा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, उनसे लोहा या दूसरे धातु लिए जा रहे हैं जिनसे ये स्टैचू बनेगा। और जो ओमकारेश्वर है उसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु श्री गोविंद भगवत पद जी से मिले और वहाँ पे उन्होंने मोक्ष हासिल किया। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और करी है, ओमकारेश्वर में ही आदि शंकराचार्य जी की याद में एक कोर्स स्टार्ट होगा और एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के IAS ऑफिसर हैं, इनका नाम है संकेत भोंडवे। संकेत भोंडवे को ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन दिल्ली में अवार्ड दिया। इनकी एक्सेप्शनल सर्विस टू द सोसाइटी, समाज कल्याण के विकास के लिए और दिव्यांगों के लिए खासकर काम करने के लिए। 2007 बैच के IAS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश काडर के, और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जब ये कलेक्टर थे तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज में, जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो विकलांग हैं, जो चल नहीं सकते, उनके विकास के लिए। तो इन्हें मिला है नेशनल अवार्ड मिला है इन्हें रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से। मध्य प्रदेश में एक डिजिटल लैंड स्कैम हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। और बेसिकली मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा था, 2001 में एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था जिसका नाम था वेबजिस सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर जो था ये एक प्राइवेट कंपनी के पास था और इसमें ज़बरदस्त धांधलीबाजी हुई है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, एक है ग्वालियर, मुरैना और इंदौर, इनमें इस सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई, जिस वजह से बहुत सारे किसानों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। तो ये सॉफ्टवेयर अब मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस करा है शिवराज सिंह चौहान ने कि अब हम वेब जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे और पुराना जो सरकारी सॉफ्टवेयर है उसे ही यूज़ करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर आपने कोई कुत्ता पाला है और वो कुत्ता जो रोड के ऊपर शौच कर देता है या टॉयलेट कर देता है तो अब आप में 5000 रुपये का फाइन लगेगा। ये एक यूनिक, एक बिल्कुल ही अद्भुत कदम उठाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत। तो अभी ये म्यूनिसिपैलिटी क्लैनलीनेस एंड सैनिटेशन एक्ट के अंदर आ गया है। अगर आपका डॉगी, ये सबसे पहले उठाया है कदम जबलपुर ने, जबलपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सर्कुलर इशू किया है, अगर आपका कुत्ता पी या शिट कर देता है ओपन में तो फिर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को परमिशन मिलेगी या उन्हीं बसों को परमिशन मिलेगी जिनके अंदर CCTV कैमरा लगे होंगे। इससे CCTV कैमरा होने की वजह से जो स्कूल हैं और बसेज हैं इनमें जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको बल मिलेगा। एक बात और याद रखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक डिसीजन ये भी अनाउंस करा है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें जो ग्रांट मिलता था, उन्हें जो अनुदान मिलता था वो 1 करोड़ रुपये से घटा के अब कर दिया है 50 लाख रुपए माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के लिए। और जो वहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं होता, बेसिकली महिलाओं का एक समूह होता है जिसमें 100 महिलाएं, 50 महिलाएं, 250 अलग अलग हो सकती हैं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मध्य प्रदेश की सरकार स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म सीलने का जॉब देगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने यह अनाउंस करा है, ये एक अलग, बहुत अलग तरह का डिसीजन है। मध्य प्रदेश में जो मुजरिम है, जो ऑलरेडी कोई ना कोई गुनाह कर चुके हैं, जो लिस्टेड मुजरिम है जिन्हें कहते हैं लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, उनको ये कहा है कि आप अपने आधार कार्ड, तुरंत अपने आधार कार्ड दो।
और इससे उन पर नजर रखी जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश में ग्वालियर की पुलिस ने, उसमें जो कैदियों का डेटाबेस है उनको आधार के साथ लिंक किया जाएगा। इससे फायदा ये होगा, देखिए अब कोई मुजरिम अगर सिम कार्ड खरीदता है, आप जानते हैं सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी है, तो आधार अगर रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की सरकार के पास है तो उन्हें उसका फोन नंबर भी पता चल जाएगा, कौन सा सिम खरीदा है, तो उससे उनके मोबाइल वगैरह टैपिंग भी हो सकती है आसानी से, मोबाइल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी अब आधार कार्ड चाहिए तो उनके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी भी मुजरिमों के मिल जाएगी। इससे भविष्य में वो कोई अपराध ना करें इस पर अंकुश लगेगा। एक मध्य प्रदेश की सरकार ने एक डिसीजन ये लिया है, अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उससे उसे बच्चा होता है, जो वो बच्चा अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेता है आगे जाके बड़ा होके, तो उसके बाप का नाम कंपलसरी नहीं है स्कूल में बताना। इससे जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहेगी रेप सर्वाइवर की, और सिंगल पेरेंट होगी क्योंकि वो, तो बाप का नाम बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो एक रेपिस्ट होगा, और उससे जो डिग्निटी है उसके लिए कदम उठाया गया। मध्य प्रदेश में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पुलिस है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी, या तो ये 1 दिसंबर को होगी या 2, अभी डेट नहीं आई है फाइनल, और ये होगी ग्वालियर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी, ग्वालियर के तेकानपुर एरिया में। इसमें जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें भारत के टॉप पुलिस ऑफिसर्स आपस में मिलते हैं। तो 1 दिसंबर को BSF रेजिंग डे भी है, BSF बना था 1 दिसंबर को, और पिछली वाली जो हुई थी वो हुई थी नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में। इसमें प्रधानमंत्री आएंगे, गृहमंत्री आएंगे, सारे जो अजीत डोवल आएंगे जो हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं, और भी जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं भारत के वो आएंगे। एक मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं झबुआ डिस्ट्रिक्ट। झबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल NGO हैं और गांव वाले हैं, उन्होंने वहां के वनों को बचाने के लिए एक फेस्टिवल चलाया हुआ है जिसका नाम है सेव मातानु वन। और इसमें यह कहा गया है, देखिए बेसिकली होता क्या है, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं झबुआ डिस्ट्रिक्ट के, वो वनों की पूजा करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि वनों की पूजा करने वाले पेड़ों को बचाया जाए, जिनको हम मतानु वन बोलते हैं, तो यानी कि उनको जो पुराने तरीके हैं उनसे वनों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मशहूर थिएटर एक्टर राम गोपाल बजाज को मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास सम्मान देकर सम्मानित किया है, और ये अवार्ड इन्हें मिला है नाट्य में अपने आजीवन योगदान के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है कालिदास सम्मान। और एक बात याद रखिए, ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल मनाया गया उज्जैन के अंदर। मध्य प्रदेश के शूटर जो हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया शॉटगन नेशनल चैंपियनशिप के अंदर, तो इसमें 2 के नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश ने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता 27वें ऑल इंडिया GV मऊलांकर शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर। और मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं 2 याद रखिए, एक तो है गुबू शंकर ने जूनियर और सीनियर कैटेगरी दोनों में गोल्ड मेडल जीता, और एक और याद रखिए स्कीट इवेंट जूनियर और सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में पार्वती कुमरे ने भी 2 गोल्ड मेडल जीते 1 ईच इन जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी। तो गुबू शंकर और पार्वती कुमरे ये हैं शूटर। मध्य प्रदेश के स्कूलों में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है, तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट में 100 थीम रखे गए हैं इस प्रोग्राम के तहत, और स्कूलों में कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जो भी कोर्स प्रिपेयर करेगा उसको 20,000 रुपये का अवार्ड भी मिलेगा। तो हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मध्य प्रदेश के स्कूल्स के अंदर, जिससे बच्चों पे मानसिक दबाव कम हो। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है, या एक तरह का कैंपेन स्टार्ट करा है, ये महिलाओं के लिए किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो महिलाएँ हैं वो गाड़ी चलाना सीखें और ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हो। इसके लिए जो कैंपेन है उसका नाम है आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। ये भाई दूज के मौके पे किया था, यानी कहने का मतलब एक तरह से बहन जो है वो गाड़ी वाड़ी चलाना सीखेगी तो भाई को भी वो घुमा सकती है, इस तरह का ये प्रोग्राम है। और जो लड़कियों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे उनका कलर होगा पिंक होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इन्हें, और एक टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स। इसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी, जो मध्य प्रदेश में 94 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे दी जाएगी। और एक कैंपेन और स्टार्ट करा है जिसका नाम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। मैं रिपीट करता हूँ, ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य 1 नवंबर को ये स्टार्ट हो गया है और 8 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है? 8 मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है नेहा। नेहा कौन है? नेहा 5 साल की बच्ची है, ये सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका कान का जो ऑपरेशन है वो करवाया है। 6.5 लाख रुपए का खर्चा उठाया है पूरा, और अब देखना होगा कितना इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इसको मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नेहा को।
बाल श्रवण, श्रवण मतलब जो सुनने की शक्ति होती है, वो योजना है। इसमें जो सरकार है वो खर्चा उठा रही है। मध्य प्रदेश जो है ये, इसने जो सिख है वहां के, जो सरदार जी रहते हैं मध्य प्रदेश में, उनको ये कहा है अब आप हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बल्कि आनंद मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हो। सिख धर्म में आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ था 2012 में भारत में, और अब कई राज्यों ने इसको लागू ऑलरेडी कर दिया है। उस वक्त जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था। एक बात याद रखिए, भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिख आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया है, जैसे केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय और हरियाणा। अभी अभी झारखंड भारत का 7वां राज्य बना था जिसने आनंद मैरिज एक्ट को लागू किया था। मध्य प्रदेश जो है उसे भारत का बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड दिया है राष्ट्रपति ने, दिया ये रामनाथ कोविंद जी ने, तीसरी बार लगातार मिला है। मध्य प्रदेश ने टोटल 10 अवार्ड जीते हैं टूरिज्म में। और एक बात और याद रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे पे ये प्रोग्राम 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस उपलक्ष्य में ये विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था, और मध्य प्रदेश को हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला है जो बेस्ट टूरिस्ट स्टेट के लिए होता है। और ये अवार्ड किसने लिया, मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा को ये अवार्ड मिला है। तो मध्य प्रदेश को मिला है बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड तीसरी बार लगातार। इसके अलावा कुछ और अवार्ड बताता हूँ, दो तीन जो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक गाइड है, इनको बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड का अवार्ड मिला है। ये पंचमढ़ी में है, इनका नाम है साहिब खान। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इंग्लिश कॉफी टेबल बुक ये लॉन्च की थी, इसे बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है इंग्लिश भाषा में, और इसे मिला है एक्सेलेंस इन पब्लिशिंग। और हिंदी की किताब थी मध्य प्रदेश की सरकार की जिसका नाम था सिंहस्थ 2016, इसे मिला है बेस्ट बुक का अवार्ड, बेस्ट जो जिसे बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस हिंदी के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने जो रूरल यूथ है मध्य प्रदेश के, उनकी सहायता के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है जो खाद्यान्न होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उसे प्रोसेस्ड गुड में, प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट करेंगे जिससे ज़्यादा आमदनी मिल सके। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अनाउंस ये करा है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आपने सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जाम पास किए हुए हैं, तो फिर आप 25 लाख रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो 25 लाख रुपए की लागत से। इसमें 40% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सब्सिडाइज हो जाएगा, और बाकी जो है वो बैंक फाइनेंस कर देंगे, लोन के तौर पे आपको मिल जाएगा। इस नई स्कीम का पर्पज़ ये है कि जो रूरल यूथ हैं, जो गाँव के यूथ हैं, यंग लोग हैं, वो स्मॉल स्केल यानी छोटे दर्जे की फैक्ट्री लगाएं जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सके और लोकल लेवल पे रोजगार दे सकें। सरकार ने टारगेट ये रखा है कि 500 ऐसे फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाए जाएंगे। हमारी भारत की फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जो भटिंडा से लोकसभा सांसद हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ पे कौन कौन से फूड हैं जिनको प्रोसेस किया जाएगा, चावल, पल्सेस यानी दाल, मिलेट, और डिहाइड्रेशन यूनिट बनेगी प्याज के लिए और गार्लिक के लिए। प्याज और डिहाइड्रेशन यूनिट मतलब ये है जहाँ प्याज और गार्लिक को सुखाया जाएगा, गार्लिक होता है लहसुन। इसके अलावा यहाँ पे ऑनियन और गार्लिक पेस्ट भी बन सकता है, सोया मिल्क, टोमेटो प्यूरी इत्यादि ये सब भी बन सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक टारगेट रखा है, टारगेट इनका क्या है कि 2022 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। कब तक कर दूंगा, 2022 तक, ये अनाउंस करा है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा ये भी अनाउंस करा है कि 2018 जब खत्म होगा, दिसंबर 2018 अगला साल जब खत्म हो जाएगा, तब तक 5 लाख घर अर्बन पुअर के लिए यानी जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए, और 15 लाख घर गाँव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बनवा दूंगा, ये भी अनाउंस करा है। एक अनाउंसमेंट और करी है, नर्मदा नदी को ग्रीन बनाने के लिए, नर्मदा नदी के आसपास पेड़ लगाने के लिए, नर्मदा नदी को शुद्ध करने के लिए 8500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा अगले 3 साल में। तो ये याद रखिए सारे टारगेट्स। एक बात और याद रखिए, केंद्र सरकार का टारगेट क्या है, केंद्र सरकार का टारगेट ये है कि 2022 तक, ठीक है, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, इसके तहत 6 करोड़ घर बनाने हैं, 4 करोड़ गाँव वाले एरिया में, रूरल एरिया में, और 2 करोड़ अर्बन एरिया में। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही जवान, बहादुर, बहुत ही करेजियस पुलिस वाला है, और उसने क्या किया, इसका नाम है अभिषेक पटेल। इसने एक 10 किलो का बम रखा और ये बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया। इसने अपनी गोदी में रखा बम और ये दौड़ने लगा, और दौड़ता गया, ये बहुत दूर चला गया जहाँ ये घटना है, चितौरा विलेज, सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की।
तो इसे बहादुरी के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। मध्य प्रदेश जो है वहां पे सोयाबीन की खेती काफी कम हो रही है, और इसलिए कम हो रही है क्योंकि किसानों को दाम नहीं मिल रहा, और दाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सोयाबीन की खेती दुनिया में बहुत सारे देशों में भारत से बहुत ज्यादा है, चाइना में भारत से ज्यादा है, बहुत सारे देश हैं, और लगभग 20% भारत का जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में उगता है, मालवा रीजन में। और एक बात याद रखिए, मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती है वो 12 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी पिछले 4 सालों में कम हो गई है, यानी जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है कैश क्रॉप के लिए वो 12 लाख हेक्टेयर कम हो गया है, और ज़्यादातर किसान अब सोया नहीं उगा रहे हैं, वो अब उगा रहे हैं चावल इत्यादि पल्सेस दालें उगा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं वो। अब शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विदेशों से हम खरीद रहे हैं सोयाबीन का तेल, और बहुत ही सस्ता खरीद रहे हैं। भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आता है, ब्राज़ील 1 है दुनिया में, सरजा सोयाबीन उगता है, फिर अमेरिका, फिर अर्जेंटीना, फिर चाइना, और भारत है 5वें नंबर पे। तो जो सोयाबीन का जो फसल है बहुत ज़्यादा उग रही है दुनिया में, इसलिए उसके जो दाम है सोयाबीन तेल के बहुत कम हो गए हैं, तो भारत जो है वो सोयाबीन का तेल खरीद ही लेता है, और इसीलिए लोकल जो किसान है वो कम्पीट नहीं कर पाते विदेशी कंपनियों के साथ, इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। एक कारण और है सोयाबीन कम उगाने का, सोयाबीन में लगने वाले रोग हैं जो जैसे येलो मोजैक डिजीज होता है, या अकाल है, या चीप इंपोर्ट हो गए, तो ये 3 कारण है मुख्य जिस वजह से किसान सोयाबीन नहीं उगाना चाहते मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश ने 27 से 29 अक्टूबर को भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का, ट्रैवल मार्ट क्या है, पर्यटन बढ़ाने के लिए एक तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म सेक्टर से लोग आपस में मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पर्यटन में पूंजी निवेश करें। तो इसका थीम इस बार क्या था, सीख डिस्कवर एक्सप्लोर SDE, ये था थीम, ये 4th अध्याय था मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का। इसको आयोजित किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में 90 लाख पशु हैं इनको आधार कार्ड देगी, ऐसा करने वाली ये मध्य प्रदेश की पहली सरकार है। आदमियों के लिए तो ठीक है आधार, पशुओं को भी देगी, और 90 लाख जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, इनमें से 84 लाख होंगी गाय, तो गौ रक्षा के लिए करेगी। इसमें बेसिकली क्या करेगी वो, जैसे कोई काऊ है, गाय के कान में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप डाल देगी, ये आधार चिप नाम दिया गया है, येलो कलर का होगा ये, येलो आधार चिप। इसमें गाय की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे गाय कब जन्मी, गाय का एड्रेस क्या है, गाय कितना दूध देती है, गाय की सेहत कैसी है, ये सब लिखा रहेगा। और अगर वो गाय मान लीजिए मध्य प्रदेश से चल फिर के उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाती है, तो ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार उसे एक नया आधार चिप डालेगी कान में, वो वही वाला रहेगा। इस वजह से एक फ़ायदा और होगा, गाय कहीं भी चली जाए किसी भी राज्य में सैर करती करती, वो उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। और एक बात याद रखिए, हरियाणा की सरकार पहली सरकार है जो गाय की रक्षा के लिए PG हॉस्टल बना रही है, PG गेस्ट हाउस। यहाँ पे अगर आप मान लो आपके पास गाय है, रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे ले जाओ, बहुत ही कम दाम में गाय को रख सकते हो। इस पे मध्य प्रदेश की सरकार 2 साल के अंदर अंदर सारी गाय को आधार कार्ड दे देगी, सारे पशुओं को दे देगी, 90 लाख पशुओं को देगी, टोटल खर्चा करेगी 13 करोड़ रुपए। विजया बैंक एक बैंक है, विजया बैंक, इसने अपना एक एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोला है इंदौर में, जहां पे ये अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगा, उनका कौशल विकास करेगा। कहां पे खोला है ये, इनके तीन सेंटर हैं, कर्नाटक में है एक, मंडिया में एक, हवेरी में, और मध्य प्रदेश में है इंदौर में, और 50,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी। इंदौर में कहाँ है, एक गांव है जिसका नाम है बैंसले। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा लोन दिया है, ये लोन है आप कह सकते हैं लगभग 3500 करोड़ रुपये का लोन है, और ये किस लिए मिला है, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मिला है, खासकर मध्य प्रदेश में जो पानी की समस्या है गाँव में, उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश का रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए $470 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश की सरकार को। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसा रखा है, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो है जापान का, फिर है अमेरिका का, फिर है चाइना का, भारत का 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा हिस्सा है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ताकेहिको नकाओ। इसराइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसराइल मध्य प्रदेश की मदद कर रहा है, किस चीज़ में मदद कर रहा है, फल और फूल उगाने में, हम इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, फल फूल सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर। कैसे मदद कर रहा है, इसराइल जो है वो कृषि में बहुत अव्वल माना जाता है। इसराइल 2 एग्रीकल्चर एक्सेलेंस सेंटर बना रहा है मध्य प्रदेश में, एक बना रहा है
श्यामपुर सेहोर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा धेरीपाल शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये सेंटर पे क्या क्या होगा, जो जो शाजापुर वाला है वहां पे संतरे उगाए जाएंगे, संतरे उगाने की अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाएगा इसराइल। और जो जो श्यामपुर वाला है वहां पे सेहोर में, वहां पे फूलों को कैसे उगाए जाए ये सिखाएगा इसराइल, यानी इसराइल मदद करेगा कृषि विकास में फ्लावर और ऑरेंज। भारत और आसियान का यूथ समिट हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए आसियान जो है ना, इसमें साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। कितने हैं? 10 कंट्री हैं। और ये सारे 10 के 10 जो हैं, ये हमें 26 जनवरी 2018 को जो परेड होगी गणतंत्र दिवस पे, हमने उन्हें इनवाइट किया है 10 के 10 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को। अब एक बात और याद रखिए, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत है डायलॉग पार्टनर। और भारत के आपको आसियान के साथ हो गए हैं 25 साल पूरे, हमारे जो संबंध है आसियान के साथ 25 साल पुराने हैं। इसी साल 2017 में भारत ने 25 साल पूरे करे इसराइल के संबंधों के साथ, और कजाकिस्तान के संबंधों के साथ भी हमारे इसी साल 2017 में हुए हैं 25 साल, याद रखिए। और भारत और आसियान के बीच जो यूथ समिट हुआ वो हुआ, ये 25वां एनिवर्सरी मनाने के लिए हुआ, और 14 अगस्त से ये स्टार्ट हो गया था। इस बार इसका थीम क्या था? थीम था शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, यानी हमारे जो आपस में वैल्यू है वो शेयर्ड है, एक जैसे हैं, और हमारा गंतव्य एक है, कॉमन डेस्टिनी है। मध्य प्रदेश को चूज क्यों किया गया ये बताइए। देखिए इसलिए चूज किया गया, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था कलिंग युद्ध के पश्चात, और ये मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक, और ये बुद्ध धर्म का प्रतीक है। जब कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, वहां पे जो अशोक राजा थे उन्होंने इतना खून खराबा देखा, उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। और जो ये आसियान कंट्रीज हैं सारे, इनमें बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन सब में बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश का एक हमारा एक कल्चर मिलता जुलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को चुना गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, देखिए एक मेला लगता है मध्य प्रदेश में, ये कहां लगता है? ये लगता है पंधुरना टाउन में, इसको बोलते हैं गोटमार। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए इसमें एक बहुत पुरानी कहानी है, वैसे आपको बता देता हूँ। गोटमार नाम का जो त्यौहार है पंधुरमा टाउन में होता है, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, पत्थर मारते हैं तो इसमें पिछले साल 15 लोग मर गए थे, और इस साल मध्य प्रदेश ने इसीलिए ये कहा कि जो स्टोन पेल्टिंग है, जो पत्थर का जो एक दूसरे पे फेंकना है, वो नहीं होना चाहिए। सेक्शन 144 लगा दिया सीआरपीसी का, इसका मतलब ये होता है कि आप हथियार नहीं रख सकते, बहुत बड़ी मात्रा में गैदर नहीं हो सकते, लेकिन ये फिर भी चलता है फेस्टिवल, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का। इसके पीछे कहानी भी है बहुत बड़ी, देखिए कहानी ये है, एक नदी है जिसका नाम है जाम नदी, ठीक है, जाम नदी के इस तरफ गांव है जिसको बोलते हैं सवर गांव, और इस तरफ गांव है जिसे बोलते हैं पंधुरना गांव। अब एक बार क्या हुआ था यहाँ पे कि कोई लड़की है उसका अपहरण कर लिया गया था, और लड़का जो उसे किडनैप करके ले जा रहा था, तो उसने किडनैपर के ऊपर कोई पत्थर मारे थे 300 साल पहले, आज से ये कहानी है। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर इस पे पत्थर मारो तो फिर वो एक अच्छा माना जाता है, और ये बीच में एक झंडा लगा दिया जाता है नदी में, और इधर से भी लोग उस झंडे को लेने जाते हैं नदी में, इधर से भी जाते हैं, और एक दूसरे को लेने नहीं देना होता वो झंडा, तो इधर वाले इधर को रोकते हैं पत्थर मार के, इधर वाले इधर को रोकते हैं पत्थर मार के कि पत्थर मारूंगा तो तुम नहीं ले पाओगे, झंडा जो ले लेता है वो जीत, गाँव जीत जाता है। तो ये परंपरा है गोटमार त्यौहार की, और इस बार इस पर काफ़ी सख्त रुख अपनाया प्रशासन ने। अमित शाह बीजेपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मूर्ति, उसका उद्घाटन करा भोपाल के अंदर। दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे? जनसंघ के ये फाउंडर थे और बीजेपी के काफ़ी पार्टी आइडियोलॉग हैं, आरएसएस के। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे, और भोपाल के जो मेयर हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा, ये भी मौजूद थे। ये स्टैचू बना कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध लाल घाटी स्क्वायर है वहाँ पर ये बना है। 5 म्यूजियम है भारत के जो एशिया के 25 सबसे अच्छे म्यूजियम के अंदर आते हैं, और इनमें एक मध्य प्रदेश के अंदर भी है, इसको बोलते हैं योद्धा स्थल, ये भोपाल में है और इसकी रैंक है 20वीं। भारत के 5 म्यूजियम एशिया के 25 सबसे अच्छे म्यूजियम में है, उनमें एक है मध्य प्रदेश का योद्धा स्थल भोपाल में, इसकी रैंक है 20। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोबारा बन गए हैं मंडोला, इनका पूरा नाम है रमेश मंडोला, विधायक हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी बने हैं दोबारा दिग्विजय सिंह, और जो ट्रेजरर हैं वो हैं जीतू जिराती। मशहूर कवि और साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके चंद्रकांत देवतले, इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था जोलखेड़ा गांव बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 7 नवंबर 1936 को। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था
थ्रोइंग स्टोन्स नाम की इनकी पोएट्री पोएम्स की कविताओं की कलेक्शन के लिए, कविताओं की कलेक्शन थी जिसका नाम था थ्रोइंग स्टोन्स। इसके अलावा इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड, शिखर सम्मान इत्यादि भी मध्य प्रदेश की सरकार से मिले हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्कीम स्टार्ट करी है, एक ऐप बनाई है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। फसल गिरदावरी मोबाइल ऐप बनाया है मध्य प्रदेश के कृषि क्या बोलते हैं विभाग ने, उन्होंने बनाई है। ये ऐप है क्या और गिरदावरी क्या होता है? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या होता है, कहीं भी क्या होता है, पटवारी जो होता है, पटवारी का काम क्या होता है कि वो जमीन का नापन करे, किसानों की जो जमीन है कितनी है उस सब का रिकॉर्ड रखे, और ये ऐप के ऊपर वो सारा रिकॉर्ड रखेगा। पहले तो वो अपने बस्ते पे कागज के ऊपर लिखता था वो सब, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम पटवारियों को बस्ता मुक्त कर देंगे, यानी अब डिजिटल बना देंगे। तो इसको बोलते हैं खसरा। खसरा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पटवारी और तहसीलदार वगैरह क्या करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, जिसमें किसान कौन सी फसल उगा रहा है, मिट्टी किस तरह की है, किसान के पास कितनी जमीन है, सारा उसका नाप के रखता है। और मध्य प्रदेश में पटवारी तहसीलदार वगैरह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार 10,000 पटवारी, 550 तहसीलदार और 940 नायब तहसीलदार को रिक्रूट करेगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। ये अनाउंस करा शिवराज सिंह चौहान ने। तो बस इसमें आपको ये याद रखना है, गिरदावरी जो होता है, और गिरदावरी जो ये होता है ये साल में दो बार होता है, एक खरीफ सीजन खत्म होता है तब और एक जब रबी सीजन खत्म होता है तब। और मोबाइल ऐप जो है इस पे क्या होगा, फिर मोबाइल ऐप पे ये होगा, कोई भी पटवारी जो है वो किसान का सारी चीज नाप वाप के इस पे डाल देगा ऐप पे, फिर आपको SMS भेजेगा, आप चेक कर लो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो उसमें एक पासकोड होगा, वो पासकोड आप पटवारी को बता दो तो आपका फिर अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा एक योजना स्टार्ट करी है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, इसका जो स्लोगन है वो है प्रतिभा प्रेरणा प्रगति, यानी 3 P हैं, प्रतिभा प्रेरणा प्रगति, कौशल्या, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, यह भी स्टार्ट करी है एक महीने पहले ही। इसमें नक्सलवाद परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी ट्रेनिंग ले सकती हैं, बेसिकली कौशल विकास किया जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा और उन महिलाओं को टारगेट किया जाएगा जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? सामाजिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, उनको कौशल दक्ष बनाया जाएगा और उनको जॉब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये योजना है रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने के महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना, महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्रों में यानी नॉन ट्रेडिशनल स्किल डेवलपमेंट भी करवाया जाएगा, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और सब कुछ निःशुल्क होगा, हेल्थ केयर, रियलिटी इत्यादि ये सब है। दीपक जोशी हैं राज्य के कौशल विकास मंत्री। सरकार का जो लक्ष्य है स्कीम में वो है 2,00,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उनको कौशल दक्ष बनाना और 15 दिवस से लेके 9 महीने तक का प्रशिक्षण होगा, यानी जो मिनिमम कोर्स है वो 15 दिन का है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का है, 100 घंटे से लेके 1200 घंटे तक का कोर्स है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उम्र, मिनिमम एज होनी चाहिए 15 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। 15 साल से अधिक उम्र की महिलाएं, 35 से कम, और जो पोर्टल है, वेबसाइट जहां पे आपको पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन, वो है mpskills.gov.in। ये सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, कोई 2 महीने का कोर्स है, कोई 6 महीने का। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, और इसका जो स्लोगन है वो है उन्नत हुनर सशक्त कल, उन्नत हुनर सशक्त कल। ये योजना भी बिल्कुल उसी तरह की है, इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को। इसमें टारगेट है 2,500 यूथ एवरी ईयर, ये टारगेट है इसमें मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में। और इसमें भी बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे रिटेल, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी इत्यादि, और जिनमें निशुल्क कौशल विकास किया जाएगा। ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत चलाई जा रही है और इसके लिए जो फंड है वो रखा गया है 254 करोड़ रुपए। इसमें प्रवेश प्रक्रिया वही है, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र या शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। ये सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का कोर्स है, और टारगेट है 2,50,000 युवाओं को रोजगार देना। इसमें भी 15 दिवस से लेकर 9 महीने तक के कोर्सेज हैं, 100 घंटे से लेकर 1200 घंटे तक के कोर्सेज हैं, और एज ग्रुप भी वही है 15 से 35। इसमें भी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपको आपकी जो सिलेक्शन है सरकार करेगी। इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें याद रखनी है आपको, भोपाल में अगले 2 साल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, इंटरनेशनल लेवल का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और इसमें सिंगापुर हमारी मदद करेगा। सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, ग्लोबल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। इसके अलावा 10 ITI हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिन्हें रीजनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा,
और मध्य प्रदेश में 5 पॉलिटेक्निक और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा उत्कृष्ट। भोपाल में बनेगा एक स्किल पार्क और उद्यमिता विकास केंद्र। और ये जो भोपाल में पार्क बन रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क है। सिंगापुर इसमें हमारी मदद कर रहा है। 37 एकड़ जमीन पे बनेगा। 1000 स्टूडेंट्स को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बस इसमें इतना ही याद रखिए। इसके अलावा सिंगल क्लिक पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। 60 साल से उम्र के वो व्यक्ति जो पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें महीने के पहली तारीख को पेंशन दी जानी चाहिए। ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है। इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें जो भी एल्डरली पेंशनर हैं उन्हें एक सिंगल क्लिक में उनके अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। इसके बेनिफिशियरी होंगे लगभग 35 लाख वो लोग जिनको पेंशन मिलती है राज्य में। और इसमें 10 तरह की पेंशन स्कीम है जो सरकार जिनके तहत डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। ये वर्ल्ड एल्डरली डे जो 1 अक्टूबर को मनाया गया उस दिन ये लॉन्च की गई थी। अगली है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो मेधावी छात्र हैं उन्हें लैपटॉप मिलेगा। किसको मिलेगा? जो 12वीं क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 85% नंबर आपको चाहिए। और अगर आप MP एजुकेशन बोर्ड के छात्र हैं 85% चाहिए। SC ST कैटेगरी के हैं तो 75% चाहिए। और 25,000 रुपये आपको मिलेंगे लैपटॉप खरीदने के लिए। इसमें कंडीशन ये है आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना। अगली है कृषक उद्यमी योजना लोन स्कीम। ये बेसिकली जो फार्मर के बच्चे हैं जो अपना नया बिजनेस लगाना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें आपको लोन मिलेगा 10 लाख रुपए तक से 2 करोड़ रुपए तक का। 15% पूंजी अनुदान होगा यानी 15% ग्रांट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो 15% ग्रांट होगा यानी उसमें फिर 15% यानी 1.5 लाख आपको कम देना है, सिर्फ 8.5 लाख ही वापस करना है। और इसमें स्कीम में आपको 5% ग्रांट मिलेगा इंटरेस्ट के ऊपर भी 5 साल तक। ये भी इंपॉर्टेंट है यानी जितना भी आपको ब्याज देना पड़ेगा लोन के ऊपर उसमें 5% पूंजी अनुदान मिलेगा 5 साल तक। इसमें कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर लगाए जाएंगे यानी फार्मर को कहा जाएगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाओ जिससे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। और ये फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाने के लिए किसानों को लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा? 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उसमें 40% ग्रांट मिलेगा यानी 40% पूंजी अनुदान मिलेगा। और राज्य की सरकार ने ये कहा है हम 1000 ऐसे सेंटर लगाएंगे। इसके अलावा भवंतर भुगतान योजना चलाई है। भारत में 25 फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे अगर मौसम की कोई वैगरीज ऑफ द वेदर हो यानी वेदर खराब हो जाए या कोई और कारण से फसल अगर कम हो या फसल बहुत ज़्यादा हो जाए तो कम से कम किसानों को एक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन ये मिल नहीं पाता है। इसके लिए सरकार ने अब चलाई है भवंतर भुगतान योजना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गेहूँ का 1735 रुपये पर क्विंटल, लेकिन मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कम मिलेगा, तो जो बीच का डिफरेंस होगा वो भवंतर भुगतान योजना के तहत यानी भाव अंतर, भावों का जो अंतर होगा वो सरकार आपको देगी। याद रखिए 8 फसलों के लिए चलाई गई है ये स्कीम। कौन कौन सी हैं ये 8 फसल? ये 8 फसल हैं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, अरहर, मक्का को मेज भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, ये हैं 8 फसलें। और इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आप मार्केट में जाके अपनी फसल बेच दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा वो सरकार आपको पे कर देगी। तो ये योजना चलाई गई है। इसमें 2 महीने की विंडो दी गई है आपको मार्केट में जाके सेल करने के लिए। अगर उसमें आप सेल नहीं कर पाते तो फिर आप इस योजना में जो गैप है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपको सस्ते दामों में कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बस एक डिसएडवांटेज ये है कि ट्रेडर्स के हाथ में है, ट्रेडर जानबूझ के फसलों का दाम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1400 रुपये अगर सपोर्ट प्राइस है, आप मार्केट में जाएंगे 1200 रुपये आपको मिलना चाहिए, 200 रुपये सरकार देगी। ट्रेडर ये बोल सकते हैं कि हम 1100 रुपये देंगे किसान को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो 300 रुपये का डिफरेंस है वो सरकार भुगतान कर देगी। तो इसलिए ट्रेडर जो हैं वो इसमें पैसों की धांधली कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया अगर 2 महीने के अंदर किसान अपनी फसल नहीं बेच पाता है तो 7 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से फार्मर कोल्ड स्टोरेज यूज़ कर सकता है, वेयर हाउस यूज़ कर सकता है सरकार के। स्वच्छ सर्वेक्षण सरकार करवाती है और इसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा साफ है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले 2 साल लगातार जो शहर टॉप कर रहा था नंबर 1 वो है मैसूर, यानी पिछले 2 बार लगातार मैसूर था नंबर 1। आप जानते हैं मैसूर कर्नाटक में है, इस बार मैसूर खिसक गया 5वें नंबर पे। भारत का सबसे साफ शहर फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों मध्य प्रदेश के हैं। पहले नंबर पे है इंदौर और दूसरे नंबर पे है भोपाल। एक बात और याद रखिए, इंदौर और भोपाल के बाद तीसरा जो मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर है वो है उज्जैन। उज्जैन ये 12वें नंबर पर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो टॉप 50 यानी शुरू के 50 सबसे साफ सुथरे जो शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा शहर हैं गुजरात के 12, उसके बाद मध्य प्रदेश के 11
और फिर आंध्र प्रदेश के 8। अगर पूछें भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है तो आंसर है गोंडा। गोंडा है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा सबसे गंदा है भारत का भूसावल, और भूसावल है महाराष्ट्र में। तो ये तथ्य याद रखने हैं स्वच्छ सर्वेक्षण से। और क्योंकि मध्य प्रदेश के टॉप 2 हैं और 12वें नंबर का उज्जैन भी मध्य प्रदेश का है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। बहुत ही ज्यादा मशहूर है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में एक ऐसा जानवर मिलता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इसको बोलते हैं स्वाम्प डियर या बारासिंगा। बारासिंगा तो हम वैसे जनरल नाम बोल देते हैं, कहते हैं इसके बारासिंग होते हैं, लेकिन इसको स्वाम्प डियर कहा जाता है। ये हिरण है एक तरह का, और ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, यानी राजकीय जानवर है। कान्हा टाइगर रिजर्व में ये मिलता है। कान्हा टाइगर रिजर्व नाम से पता चल रहा है इसमें टाइगर भी मिलते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मांडला और बालघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दोनों में फैला हुआ है, और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे बारासिंगा का ये प्रकार मिलता है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व पहला भारत का टाइगर रिजर्व बना है, या कोई भी नेशनल पार्क बना है जिसने अपना एक ऑफिशियल मैस्कॉट यानी कि शुभंकर चुना है। और इन्होंने ये टाइगर को नहीं चुना, जबकि इसका नाम ही कान्हा टाइगर रिजर्व है, इन्होंने बारासिंगा को चुना है, क्योंकि ये इस जगह की विशेषता है। टाइगर तो जगह में और जगह भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन बारासिंगा नहीं मिलेगा। और इसका इन्होंने नाम रखा है भूर सिंह द बारासिंगा। तो ये जो कार्टून है ये है बारासिंगा। शुभंकर यानी मैस्कॉट एक ऐसा जानवर होता है जो उस जगह की पहचान होती है, उस जगह की संस्कृति दिखाता है। एक बात याद रखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ है पूरे इंडिया में। अगर पूछें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भारत में कहां पर है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का मतलब यह है सबसे ज्यादा पेड़ कहां पे है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक से एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे वो कान्हा हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो बांधवगढ़ हो, कोई भी हो। और जो पेंच है, यहां पर रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी पेंच में, याद रखिए, कान्हा में नहीं, पेंच में। चलिए एक और चीज बता देता हूं, 2016 में दुनिया का पहला वाइट टाइगर सफारी इनॉग्रेट हुआ था मुकुंदपुर में। ये सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, ये सब डिस्ट्रिक्ट अब सीमेंट वगैरह के लिए जाने जाते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? मुकुंदपुर में, सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, सफेद टाइगर। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक दो स्कीम चलाई हैं अभी इसी साल। तो जो पहली स्कीम की बात कर रहा हूँ वो है डिजिटल डाकिया स्कीम। डाकिया बोलते हैं पोस्टमैन को, तो डिजिटल पोस्टमैन ये क्या करेगा? ये कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में लोगों को प्रेरित करेगा। आप जानते हैं डिमोनिटाइजेशन की वजह से जो गांव के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था डिजिटल क्या होता है। तो ये जो डिजिटल डाकिये हैं घर घर जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन है ये डिजिटल डाकिया कैंपेन। और इसको राज्य के जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जयंत माल्या, उन्होंने लॉन्च करा था इंदौर में 14 जनवरी 2017 को। ये खास तौर पर जो महिलाएं हैं और जो बूढ़े लोग हैं जिनमें साक्षरता कम है उनके लिए शुरू की गई थी, लेकिन सबको करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, सबके लिए है, लेकिन विशेष तौर से जो एम्फसिस दिया जाएगा वो महिलाओं पर दिया जाएगा और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन पर दिया जाएगा। तो डिजिटल डाकिया जो है ये अर्बन एरिया में भी होगी और रूरल एरिया में भी होगी, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में होगी। इसमें जो डिजिटल डाकिये होंगे इनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, वरना ऐसे तो कोई भी आपके घर में घुस जाएगा ये बोल के मैं डिजिटल डाकिया हूँ। इनको प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जो भी इसमें वॉलंटियर करेगा, और मेन पर्पस यही है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में लोगों को सिखाओ, डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को बताओ। ये डिजिटल इंडिया को एक तरह से प्रमोट करेगी डिजिटल डाकिया स्कीम। दूसरी स्कीम जो मध्य प्रदेश की आपको याद रखनी है वो है आनंदम स्कीम। ये आनंदम स्कीम क्या होती है? आनंद मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसके पास एक डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस जिन्होंने लॉन्च करा था, याद रखिए। दूसरा राज्य जिसने डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस लॉन्च करा है वो है आंध्र प्रदेश, पहला है मध्य प्रदेश, एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसको बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तो आनंदम स्कीम ये है, गरीब लोगों के लिए है ये। इसमें ये है, कोई अगर अमीर आदमी है जिसके पास कमी नहीं है कपड़ों की, जैसे पहनने वाले कपड़े, साड़ी, ओढ़ने वाले कंबल, बर्तन, स्कूल बैग वगैरह, तो वो गरीब लोगों को डोनेट कर सकता है, दान में दे सकता है। इसके लिए जगह जगह पर बॉक्स रखे गए हैं शहरों के अंदर, उनमें आप जाके अपने कपड़े वगैरह जो भी हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कपड़े डालने हैं, कोई भी ऐसा सामान जो आप यूज़ नहीं कर रहे, घर के बर्तन, स्कूल बैग, कंबल, कुछ भी आप गरीबों को दे सकते हैं आनंदम स्कीम के तहत। इसमें जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, कल्चरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है जो अरुण जेटली जी के अंडर आता है, जो हमारे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों हैं,
उन्होंने डिसाइड करा है कि वो एक डिफेंस यूनिट लगाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ये लगाई कहाँ पे जाएगी? मध्य प्रदेश का मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना जिला, उसके कैलारास और सबलगढ़ के अंदर। अब ये है क्या, ये डिफेंस यूनिट? डिफेंस यूनिट का मतलब ये है यहाँ पर हमारी सेना के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी। और ये अनाउंस किया था नरेंद्र तोमर ने। नरेंद्र तोमर ने जब अनाउंस किया था तब ये सिर्फ हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे, यानी रूरल डेवलपमेंट मंत्री थे, लेकिन वेंकैया नायडू के रिजाइन करने के बाद ये अर्बन डेवलपमेंट मंत्री भी बन गए हैं। वेंकैया नायडू जो थे इनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय भी था, सूचना प्रसारण चला गया था फिर स्मृति ईरानी को, और अर्बन डेवलपमेंट चला गया, रूरल डेवलपमेंट दोनों नरेंद्र सिंह तोमर को। इन्होंने अनाउंस किया था और इसमें टोटल 1500 करोड़ रुपये का धन इसके लिए अलॉट किया गया है और लगभग 970 हेक्टेयर की जमीन इसके लिए सरकार ने दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन बैग्स पर बैन लगा दिया 1 मई 2017 से। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है, प्लास्टिक पर बैन नहीं लगाया, पॉलीथीन बैग पर लगाया है, क्योंकि प्लास्टिक से तो और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे बकेट बनती है, आपकी जो बाल्टियाँ आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक या दूसरे प्लास्टिक मटेरियल हैं उन पर बैन नहीं लगाया, सिर्फ पॉलीथीन पर बैन लगाया है, ये याद रखिए। और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उन्हें 3 महीने का टाइम दिया गया है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, क्योंकि एकदम से संभव नहीं हो पाता पॉलीथीन को एकदम से कम यूज़ करना, तो 3 महीने के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। 1 मई से ये लागू हो चुका है और इसके पीछे उन्होंने पर्पज़ ये दिया है, एक तो पॉलीथीन बैग है जो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी टूटता नहीं है, वो आप मिट्टी में दबा दीजिए पॉलीथीन को, वो 100 साल के बाद भी ऐसा ही मिलेगा। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि गाय इसको खा के मर जाती हैं, तो गाय जो कचरा वगैरह खाती हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती, और वो पॉलीथीन भी खा जाती हैं और फिर वो उससे मर जाती हैं, तो ये 2 मुख्य कारण थे। और साफ साफ तौर पर ये कहा गया सिर्फ पॉलीथीन पर बैन लगाया है, बकेट और दूसरे प्लास्टिक मटेरियल पर नहीं लगा है, सिर्फ पॉलीथीन बैग पर लगा है। भारत के 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलाकर ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पॉलीथीन पर बैन लगा दिया है, प्लास्टिक कैरी बैग जो होते हैं उन पर बैन लगा दिया है, याद रखिए। ये हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है। हर्षवर्धन वैसे तो एनवायरमेंट मंत्री नहीं थे, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे अनिल दवे, अनिल माधव दवे, ये भी मध्य प्रदेश से ही थे वैसे, तो अनिल माधव दवे एक्सपायर हो गए पिछले महीने, उसके बाद हर्षवर्धन को पर्यावरण मंत्रालय सौंप दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा हमारे ये साइंस और तकनीक के लिए भी मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर, ये वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं। इन्होंने ये जानकारी लोकसभा में दी है आज से सिर्फ 5 दिन पहले लिखित में, कि 17 राज्य भारत के और यूनियन टेरिटरी हैं टोटल जिनमें अब तक प्लास्टिक कैरी बैग बैन हो चुके हैं। एक और बात, जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आई है 2016, ये नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टिक का थैली जो 50 माइक्रोन से कम, जिसकी थिकनेस है, जिसकी जो चौड़ाई है 50 माइक्रोन से कम है, वो बैन कर दिया जाएगा। 50 माइक्रोन से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पुराने तरह का प्लास्टिक है जो 50 माइक्रोन से कम था वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके अलावा गुटखा, पान मसाला यानी टोबैको, तंबाकू, इनको पैक करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक टूरिज्म बोर्ड बनाएंगे, टूरिज्म मतलब पर्यटन, एक ऐसा बैठक बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे जो टूरिज्म को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, 3-3 भीमबेटका की गुफाएं हैं, खजुराहो के मंदिर हैं और क्या नहीं है, तो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए टूरिज्म बोर्ड बनेगा, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी और ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की जाएगी। इसका काम ये होगा कि टूरिज़्म को बढ़ावा दे, और इसके चेयरमैन होंगे खुद वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और डेप्यूटी चेयरमैन होगा टूरिज़्म मंत्री स्टेट का, जो भी होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक और स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है मिल बाँचे। मिल बाँचे मतलब होता है, बाँचे मतलब पढ़ना किसी चीज़ को, मिल मतलब साथ में, तो साथ में मिलके पढ़ना, यानी पूरा मध्य प्रदेश साथ पढ़ेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट MP रीड टुगेदर। इसमें क्या है कि जो मंत्री हैं, जो टीचर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाही के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मीडिया पर्सन, डॉक्टर, इंजीनियर, सब मिलके स्कूल जाएंगे, कोई भी स्कूल चूज़ करेंगे उसमें जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के साथ साथ किताबें पढ़ेंगे, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। तो ये प्राइमरी स्कूल में जाएंगे और मिडिल गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और ये पूरे मध्य प्रदेश में फिर इसको फैला दिया गया। अभी 7 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस प्रोग्राम को अब कैंपेन का रूप दे दिया जाएगा, बड़े लेवल पर करेंगे एक कैंपेन की तरह। तो याद रखिए, ये बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट यानी पढ़ने की आदत डेवलप करने के लिए मिल बाँचे स्कीम स्टार्ट की गई। जो हमारी केंद्र सरकार है
उसने मध्य प्रदेश में फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया है, अप्रूव कर दिया है। ये कहां पर बनेगा, पहले तो ये बता देता हूं, फूड मतलब खाना, लेग्यूम मतलब क्या होता है, लेग्यूम मतलब जैसे हमारी दालें, खास तरह के पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन को ये मिट्टी में बना सकते हैं, उसे ले सकते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम इत्यादि, नाइट्रोबैक्टर वगैरह। अब ये जो लेग्यूम वाले पौधे हैं इन पर रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा, इसके लिए बनेगा फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म, और ये बनेगा मध्य प्रदेश के सहोर डिस्ट्रिक्ट के अम्बला में, अम्बला सहोर डिस्ट्रिक्ट में। इसको बनाएगा कौन, इसको बनाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज का इंटरनेशनल सेंटर, जिसे बोलते हैं ICARDA। इसमें सैटेलाइट हब होंगे दो, एक पश्चिम बंगाल में दालों के लिए, पल्सेस के लिए, और दूसरा राजस्थान में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको मैनेज करने के लिए, यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है कि जो ये सहोर में बनेगा फूड लेग्यूम रिसर्च सेंटर, इसके लिए जो पैसा है वो अलॉट किया है, और जो धन है वो भी अलॉट किया है। तो जो धन इसमें लगेगा वो इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो जमीन दी है वो दी है लगभग 175 एकड़, जिसे आप कह सकते हैं रफली 71 हेक्टेयर, और ये इन्होंने लीज़ पे दिया है सिर्फ 1 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, 30 साल की लीज़ पे इन्हें लैंड दिया गया है बनाने के लिए। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टेटस भी इसे दिया जाएगा, ये अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के, कि ये जो बनेगा इसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाएगा। याद रखिए, मध्य प्रदेश ने सेलिब्रेट किया अपना मशहूर खजुराहो डांस त्यौहार। याद रखिए, खजुराहो जो है ये बहुत ही मशहूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये है कहाँ, ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, खजुराहो के मंदिर हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक है खजुराहो की जो इमारतें हैं सारी, मंदिर हों चाहे गुफाएँ हों जो भी हों, वो है 1986 में उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची में 1989 में, और भीमबेटका के जो जो रॉक शेल्टर हैं 2003 में। तो टोटल भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं 36, पिछले साल तक थी 35, अभी इस साल अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया, तो टोटल हो गई 36। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में है, इटली, कितनी, 53। दूसरे नंबर पर चाइना, कितनी, 52। याद रखिए, तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो डांस का त्यौहार होता है, हर साल होता है, ये 43वां त्यौहार था, यानी 40 साल से ज़्यादा से चल रहा है ये, 43rd खजुराहो डांस त्यौहार था। इस बार जो कंट्री गेस्ट बन के आया वो आया बांग्लादेश, और बांग्लादेश इसमें कई बार आ चुका है। दूसरी बात, गो हेरिटेज रन ये भी ऑर्गेनाइज की गई। गो हेरिटेज रन बेसिकली एक तरह की दौड़ थी जो जिसमें हिस्सा लिया बहुत सारे लोगों ने, और 7 दिन तक ये त्यौहार चला, और 20 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 26 फरवरी को ख़त्म हुआ। 2 दिवसीय साउथ एशियन स्पीकर सम्मिट ये इंदौर के अंदर हुई, 2 डे साउथ एशियन स्पीकर सम्मिट, इसी साल 2017 की बात हो रही है ये। इसमें हिस्सा किन किन देशों ने लिया, इनमें हिस्सा लिया 6 देशों ने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और नेपाल, सब हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं। 2 देश हमारे पड़ोसी नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आया और म्यांमार नहीं आया, अपने पर्सनल निजी कारणों की वजह से। इसका इनॉग्रेशन किया सुमित्रा महाजन ने, जो हमारी लोकसभा की स्पीकर हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इसमें बात किस बारे में हुई, ये जो एशियन स्पीकर समिट होती है इसमें बात किस बारे में हुई, इसमें बात इस बारे में हुई कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और इसमें हम आपसी सहयोग कैसे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, बताता हूँ क्या होते हैं, पहले इस पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया कि जो मेल फीमेल के बीच में जो गैप है हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जेंडर गैप इंडेक्स में है भारत बहुत पीछे है। तो ये डिसाइड हुआ इस सेशन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें लेके आना है, टिकाऊ विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा तरह का विकास जो अभी की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन जो हैं, आने वाली पीढ़ियाँ, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सके, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जेंडर इक्वालिटी पर चर्चा हुई और ये कहा गया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, टिकाऊ विकास चाहिए, तो फिर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वरना जो बैलेंस होगा वो नहीं होगा। और फाइनली जब ये मीटिंग खत्म हुई तो इंदौर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, इंदौर डिक्लेरेशन। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं ये सब क्या है। देखिए, इंदौर डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि जो साउथ एशियन स्पीकर सम्मिट हुई उसमें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसे, और भारत की पार्लियामेंट ने ऑर्गेनाइज किया, यानी IPU और पार्लियामेंट ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया।
और इसका पर्पज ये था स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉपरेशन एंड रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी आपसी सहयोग को बढ़ाओ और आपसी संसाधनों को में कॉपरेट करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इसमें किस किस बारे में बात हुई, और देखिए बात ये हुई इसमें, एक तो हम ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लेकर आएंगे, दूसरी बात जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पे लगभग दुनिया की 20% से ज़्यादा आबादी रहती है और वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत कम है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो इंतजाम है वो बहुत कम है, जलवायु परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा है, तो इनसे हम कैसे निपटें इस पर चर्चा हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे जिन पे चर्चा हुई इसमें। दूसरी बात, सब देशों ने मिलकर ये कहा कि हमें हमें डेवलपमेंट में एक दूसरे का साथ देना है, जलवायु परिवर्तन को बचाने में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में एक दूसरे का साथ देना है, और इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और साथ में ये भी बात हुई कि हम आपस में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, और पिछले साल जो 2016 ढाका डिक्लेरेशन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, हम उसमें जो बातें हुई थी उनको और ज़्यादा आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो जैसे 2017 में इंदौर डिक्लेरेशन हुआ था, 2016 में हुआ था ढाका डिक्लेरेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए जब हमारा मिलेनियम खत्म हुआ, 2000 साल था, ठीक है, आज 17 साल बाद की बात कर रहा हूँ, हम 2017 में बैठे हैं, तो जब मिलेनियम खत्म हुआ, अगला मिलेनियम आ गया, तो सारे देश मिले, 193 देश मिले संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है, इंडिया भी मिला, सब ने मिलकर कहा एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसे गोल अपने सामने रखते हैं जो हमें अचीव करने हैं, टारगेट रखते हैं कुछ। तो इन्होंने कहा ठीक है, सब देशों ने मिलकर 2000 में जब ये मिले तो इन्होंने अपना लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि मिलेनियम मीट थी सन 2000 था, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अपना लिए और सब देशों ने मिलकर ये कहा हम ये 8 मिलेनियम गोल हैं इनको अगले 15 सालों में पूरा करेंगे, यानी कि 2015 के एंड तक हमें ये पूरे कर देने होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 8 के 8 देशों ने पूरे कर लिए, 2015 जा चुका है अब 2 साल पहले, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ। तो फिर ये दोबारा मिले, अब इन्होंने कहा अब क्या करना चाहिए, तो अब ये बोले जो 8 गोल हैं अब इनको बढ़ा के कर दो 17। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो अडॉप्ट किए गए थे 15 सालों के लिए, उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को चेंज करके बना दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनका नंबर 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिया, तो 8 से बढ़ा के कर दिया 17, और इसमें 169 टारगेट हैं टोटल, और ये अगले 15 सालों के लिए, यानी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक। इसको नाम दिया गया एजेंडा 2030, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं किसके, UNDP के, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब ये हैं क्या क्या, क्या आपको सारे याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं। पहला गरीबी से निपटो, दूसरा हंगर से निपटो, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, पांचवा आप देख सकते हैं, पांचवा जेंडर इक्वालिटी है। तो इस बार सेशन ऑर्गेनाइज किस पे हुआ था, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हुआ था, 5th पे। कई बार देखिए क्वेश्चन में ऐसा जरूर हो सकता है आपको जेंडर इक्वालिटी ना दें, आपको लिखते हैं SDG 5, SDG 4, SDG 3, तो SDG 5 आंसर है। क्लीन वाटर होना चाहिए, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी जैविक ऊर्जा पे इन्वेस्ट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं, ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको एक पेपर पे लिख लो और जब सुबह ब्रश करो तो रोज देखते रहो, आपको अपने आप 2 हफ्ते में याद हो जाएंगे। नागपुर के पूर्व सांसद जंबुवंत राव धोते, इनका निधन हो गया। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में कभी साउथ महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व होता था और मध्य प्रदेश की राजधानी एक वक्त नागपुर होती थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो इनकी डेथ हो गई। इनको बोलते थे लायन ऑफ विदर्भ, विदर्भ का शेर। नागपुर से ये सांसद थे लेकिन ये 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, और ये विधायक कहाँ से थे, यावतमल जिले से। तो ये मध्य प्रदेश से कुछ हद तक एसोसिएटेड थे, खैर ये महाराष्ट्र के हैं थे, लेकिन इनका इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है। पहले इन्होंने जब अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था तो फॉरवर्ड ब्लॉक से किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक वो पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, फिर ये चले गए थे कांग्रेस में, और फिर फाइनली ये शिवसेना में। एक आदिवासी त्यौहार होता है मध्य प्रदेश में जिसको बोलते हैं भगोरिया, तो भगोरिया हुआ झबुआ मध्य प्रदेश में। अभी झबोरिया होता क्या और कब होता है, होली पे होता है ये, तो ये होली से थोड़ा सा पहले होता है। ये 34 places में हुआ मध्य प्रदेश में, और ये मार्च के महीने में होता है जनरली, होली से थोड़ा सा पहले। इसको कौन से 2 आदिवासी समुदाय मनाते हैं, एक तो भील और एक भिलाला, भील और भिलाला आदिवासी से मिलकर मनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक स्वयंवर होता है, स्वयंवर का मतलब ये होता है, स्वयं मतलब खुद, वर मतलब होता है हस्बैंड, स्वयंवर। तो स्वयंवर का मतलब बेसिकली ये होता है जहाँ जो यंग लड़कियाँ हैं और यंग लड़के वो अपना पार्टनर चुन सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसके गाल पे लाल रंग का पाउडर लगाता है, और अगर लड़की को भी लड़का पसंद है तो वो लड़के के गाल पे भी फिर पाउडर लगा देगी, तो इससे फिर दोनों में सहमति हो जाएगी और फिर उनकी शादी करवा दी जाएगी। तो ये होता है इस त्यौहार के अंदर भगोरिया।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। तो मध्य प्रदेश एक बात और समझ लीजिए, जो स्टेट होते हैं, स्टेट ही नहीं जो दूसरे भी चीफ जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस होता है, सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उसका प्रेरोगेटिव है। तो मध्य प्रदेश का भी जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने। खैर उस वक्त प्रेसिडेंट दूसरे थे, आज दूसरे हैं। अब भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद, और ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की, यानी 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिन्हें अपॉइंट किया था मध्य प्रदेश का नया चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो हेमंत गुप्ता नाम है इनका, और ये पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज थे। इसके अलावा इन्होंने जो जगह ली बोली राजेंद्र मेनन की, इससे पहले राजेंद्र मेनन जो थे ये कार्यभार संभाल रहे थे एज मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस। इनको शपथ किसने दिलवाई, शपथ कौन दिलवाता है स्टेट के चीफ जस्टिस को, गवर्नर। तो गवर्नर ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के ही गवर्नर नहीं है, ये गुजरात के गवर्नर भी हैं, याद रखिए। तो इन्होंने शपथ दिलाई। अब साइंस की तरफ आते हैं, मध्य प्रदेश की साइंस की बात करते हैं। तो 1600 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, मान लीजिए पेड़ की पत्तियां, जानवरों की खाल, जानवर जब मर जाते हैं, ह्यूमन बींग जब मर जाते हैं, मिट्टी में दफन हो जाते हैं, तो ये सब क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं फॉसिल, यानी जीवाश्म। तो 1600 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, कहाँ मिले हैं, चित्रकूट में मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये आज तक के डिस्कवर किए गए सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स हैं। इससे पहले का रिकॉर्ड देखते हैं क्या था। आज तक के जो सबसे पुराने हमें अवशेष मिले हैं वो 1200 करोड़ साल पुराने हैं। ये कैनेडियन आर्टिक में मिले थे, लाल रंग के कवक मिले थे, रेड एल्गे के जीवाश्म मिले थे, और ये अभी अभी खोदे गए हैं। ये 1200 करोड़ साल से भी पुराने, ये 1600 करोड़ साल पुराने हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया जब से बनी तब सबसे पहले जो जीवाश्म हैं वो ये हो सकते हैं। इनको खोदा किसने, स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साइंटिस्ट ने। और ये मिले कहाँ पे, ये मिले सेडिमेंट्री जो रॉक हैं, फॉस्फेट रिच, जिसमें फॉस्फरस बहुत ज़्यादा है, फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, चित्रकूट के अंदर, वहाँ पे ये मिले सेंट्रल इंडिया में। और ये लगभग जो दुनिया बनी थी वो 4500 करोड़ साल पहले बनी थी, और ये जो जीवाश्म हैं ये 1600 करोड़ साल पुराने हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक नया कोर्स स्टार्ट करा है। अगर किसी को मान लीजिए पुजारी बनना है तो प्रॉपर अब कोर्स दिया जाएगा, एक साल का डिप्लोमा होगा, और इसका नाम रखा गया है पुरोहित्यम। पुरोहित मतलब क्या होता है, पुजारी, पुरोहित्यम। और इस कोर्स को लॉन्च किसने किया है, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने, उन्होंने लॉन्च करा है। डिप्लोमा दिया जाएगा पुरोहित्यम में, आपको अगर पंडित बनना है, पुजारी बनना है तो इस कोर्स को करिए, एक साल का कोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी इसको कर सकता है, कोई धर्म, जात या लिंग का बैरियर नहीं है। बस बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, 10th क्लास पास होनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने मध्य प्रदेश के साथ एक एग्रीमेंट करा है कि दिल्ली मेट्रो को बिजली कौन देगा, रेवा में जो सौर ऊर्जा का प्लांट है वो देगा। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो ये है रेवा, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, 750 मेगावाट क्षमता का है ये, और ये देगा बिजली। 50-50 जॉइंट वेंचर है रेवा प्रोजेक्ट किसके बीच में, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ने लगाया है 50-50% दोनों का हिस्सा इसमें है। दिल्ली मेट्रो को ये कितनी बिजली देंगे, 24% बिजली देंगे। जो भी रेवा में सौर ऊर्जा बनेगी इस प्रोजेक्ट में, उसकी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देंगे। एक बात और, जो मेट्रो होती है वो रेल के अंदर नहीं आती, रेलवेज के अंदर, वो आती है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है मेट्रोज, रेलवेज के अंदर नहीं आती। तो बहुत सस्ते में देंगे ये बिजली, सिर्फ 3.3 रुपीज़ पर यूनिट का जो रेट है वो डिसाइड हुआ है, उतने में ये मिलेगी। हमारे पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंसमेंट की थी। हबीबगंज ये एक लोकल कंपनी है, बंसल ग्रुप, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस स्टेशन को डेवलप करने का। ये भारत के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, तो याद रखिए। 45 साल के लिए इसे लीज पे दिया गया है और कंपनी को दिया गया है। हाँ, ट्रेन तो रेलवे ही चलाएगा लेकिन स्टेशन को मेंटेन करेगा पूरा का पूरा बंसल ग्रुप, और इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 8 साल के लिए अभी, और कंपनी को लीज मिली है 45 ईयर्स स्टेशन ग्राउंड की। तो याद रखिए, ये हबीबगंज पहला भारत का रेलवे स्टेशन है ऐसा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना शुरू करी है, दीनदयाल रसोई योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, उनके जन्म को इस बार 2017 में 100 वर्ष पूरे हो गए। और पंडित दीनदयाल जी जो उपाध्याय हैं, काफ़ी बड़े लीडर थे,
इनके नाम पे वैसे उत्तर प्रदेश का मुगल सराय स्टेशन भी रख दिया गया है। मुगल सराय जो स्टेशन है ये भारत का सबसे बिजी स्टेशन बोलते हैं इसे, रेलवे स्टेशन। इसका नाम अब हो गया है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पे। मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हीं के नाम पे योजना स्टार्ट करी है, दीनदयाल रसोई योजना, जिसमें बहुत सस्ता खाना मिलेगा, 5 रुपये के अंदर आपको थाली मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐप, ये ऐप है, डाउनलोड कर लो इसको। इसका नाम है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक नगर पालिका। आपको कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी चीज़ है, तो आप इस ऐप पे जा सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन है, ये ऐप का स्क्रीनशॉट है, आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, सर्विसेज, पेमेंट, कंप्लेंट, स्टेटस। तो आप ये लोगों की मदद करने के लिए, यानी पूरी नगर पालिका को, सारी म्युनिसिपल सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये लॉन्च करी है और ये 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है पूरा, याद रखिए। इसमें सारी म्युनिसिपल सर्विसेज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज कर दी गई हैं। दो कंपनियां हैं, एक है हमारी भारत की जिसका नाम है पुंज लॉयड, और दूसरी है इसराइल की, हथियार बनाने वाली कंपनी है, छोटे हथियार बनाती है, स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन प्लांट मिलकर लगाएंगे दोनों मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा मालनपुर में, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसराइल की मदद से हम ये लगा रहे हैं। इसराइल हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, एग्रीकल्चर में हम साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में इसराइल का कोई जवाब नहीं है, जो ड्रिप इरीगेशन वगैरह उसमें इसराइल बहुत आ गया दुनिया में। तो इसराइल की मदद से हम एक मिसाइल भी बना रहे हैं जिसका नाम है बैरक 8, ये भी इसराइल हमें बना के दे रहा है, इसराइल और भारत मिलकर बना रहे हैं इसे। तो ये इसराइल की कंपनी है जिसका नाम है इसराइल वेपन इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं IWI, ये और भारत की कंपनी पुंज लॉयड, ये मिलके एक छोटे हथियार बनाने वाला उत्पादन केंद्र लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के मालनपुर में, और इसकी कॉस्ट होगी टोटल 200 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है नर्मदा सेवा मिशन। नर्मदा आप जानते हैं, देखिए नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है, जिसको बोलते हैं तीर्थराज, और अमरकंटक से ये निकलती है, पहले ये जाती है मध्य प्रदेश में, पूरे ट्रैवल करती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में जहाँ जाती है, जबलपुर है, होशंगाबाद है इत्यादि। अब ये जब जबलपुर जाती है तो वहाँ बनाती है धुआंधार वाटरफॉल, जिसे गौतम धारा या कपिल धारा भी कहते हैं, धुआंधार वाटरफॉल। फिर ये जाती है मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र में, हालांकि बहुत कम हिस्सा महाराष्ट्र का कवर करती है ये, और फिर जाती है गुजरात में। गुजरात में कहाँ जाती है नर्मदा? भरूच, भरूच। और ये नर्मदा हो गई, तापी हो गई और माही हो गई, ये तीन नदियां हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मतलब कहने का मतलब ये मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये अरेबियन सी, अरब सागर, और ये है बे ऑफ बंगाल, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि ये ईस्ट हो गया, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो नर्मदा, तापी, माही, इन नदियों के नाम याद रखिए, और जो बाकी चार नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, वो उल्टा बहती हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब ये नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा ये भी शुरू की गई अमरकंटक से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, और अमरकंटक से जैसा मैंने बताया नर्मदा निकलती है। तो नर्मदा सेवा मिशन है क्या? ये नर्मदा को बचाने के लिए है, नर्मदा को बचाओ उसके लिए है नर्मदा सेवा मिशन। इसमें क्या क्या किया जाएगा? नर्मदा के सारे चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाएंगे, और लगाए भी, और नर्मदा को साफ किया जाएगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं, यात्राएं निकाली जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हुई वो हुई नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा, यानी नर्मदा को बचाने के लिए यात्रा करो। तो इसमें लगभग 1831 किलोमीटर की यात्रा थी, और सदर्न बैंक ऑफ द रिवर पे, और 1513 किलोमीटर नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिवर पे, 1100 गांव से ये पास हुई और शहरों से पास हुई टोटल मिला के। ये 11 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुई थी अमरकंटक से, और 15 मई को ये ख़त्म हुई है ये यात्रा। और इसमें पूरा मतलब नर्मदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए वो सब किया गया, और इसको अमिताभ बच्चन जी और दलाई लामा ने खुल के सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने नर्मदा नदी में जो सैंड माइनिंग होती है वो कम्प्लीटली बैन कर दी है। तो ये नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के 18 डिस्ट्रिक्ट से बहती है, और ये सारे के सारे 18 डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा में कोई भी अब माइनिंग नहीं कर सकता मिट्टी की। इसके अलावा जो बाकी जगह, जो बाकी नदियां हैं, नर्मदा के अलावा भी और नदियां हैं, उनमें जो माइनिंग होती है उनमें मशीन्स का इस्तेमाल बैन कर दिया सरकार ने। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने जनवरी से दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर अपना लिया। देखिए अभी भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी जो है हम उसको ऐसे लिखते हैं 2017-18, यानी ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक है ये वाला फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो ये 150 साल पुरानी ट्रेडिशन है जिसको मध्य प्रदेश तोड़ना चाहता है,
हालांकि वैसे बता देता हूँ, अरुण जेटली ने अभी अभी अनाउंस करा है 7-8 दिन पहले कि ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। चाहे राज्य अपना लें लेकिन नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी चीज़ें उसमें। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना और झारखंड दूसरा राज्य बना। ये 1867 में अंग्रेजों ने स्टार्ट करा था, अप्रैल से मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम है ये 1867 में, तो 150 साल पुराना है ये। और झारखंड दूसरा राज्य बना जिसने इसे अपनाया है। IIT खड़गपुर, इसने मध्य प्रदेश के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया ये देखने के लिए कि कौन सा मध्य प्रदेश का शहर कौन सा कितना खुश है। याद रखिए ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये IIT खड़गपुर का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, रेखी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसके बीच में, और मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है उसके बीच में, जो हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं राज्य आनंदम संस्थान यानी डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, उनके बीच में ये साइन हुआ है। और मध्य प्रदेश जैसा मैंने बताया भारत का पहला राज्य था जिसने अपना हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था, आंध्र प्रदेश है दूसरा। भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे, हम 155 कंट्रीज में 122वीं रैंक है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। नर्मदा नदी की मैं बात कर ही रहा था, नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक चीज़ और करी है मध्य प्रदेश की विधानसभा ने यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उन्होंने इसको एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया है, लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया है। यानी अगर आप नर्मदा को नुकसान पहुंचाओगे तो वो किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने जितना ग्रेव माना जाएगा, और लीगल राइट्स मिल गए उसे, कानूनी अधिकार मिल गए उसे। यानी नर्मदा को अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो नर्मदा नदी आपके ऊपर केस कर सकती है, ध्यान से सुनिए इस बात को। लेकिन ये पहला नहीं है एफर्ट ऐसा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी कुछ ही समय पहले, इससे पहले गंगा नदी और यमुना नदी को वही अधिकार दिए जो किसी लिविंग व्यक्ति को दिए हैं। और अब अगर सवाल आए कि भारत की पहली नदी कौन सी है जिसे लिविंग एंटिटी का स्टेटस मिला है, तो आंसर है गंगा। दूसरी कौन सी है, तो आंसर है यमुना। और दुनिया में कौन सी है पहली, तो आंसर है वांग हनुई रिवर न्यूजीलैंड में। इसी साल 2017 में इसे लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया है न्यूजीलैंड की सरकार ने, इसे बचाने के लिए, वांग हनुई रिवर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे ये प्रताप सिंह बाघेल, इनका निधन हो गया। ये कांग्रेस के लीडर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे धार से 1985 में। इसके अलावा ये मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के अंदर भी, दो बार मंत्री थे स्टेट के अंदर। ये MLA चुने गए थे 3 बार कुक्षी से, 1972 में, 1977 में और 1980 में। इसके अलावा अनिल माधव दवे, आप जानते हैं हमारे पर्यावरण मंत्री थे, ये भी एक्सपायर हो गए, मध्य प्रदेश के ही थे ये। इनका जन्म हुआ था बड़नगर उज्जैन में मध्य प्रदेश में, और ये राज्यसभा में भी इलेक्ट हुए थे अगस्त 2009 में। राज्यसभा में आप जानते हैं कि 6 साल के लिए आदमी जो भी होता है पर्सन वो जाता है। तो अनिल माधव दवे का निधन हो गया और अब अनिल माधव दवे की जगह डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनको एडिशनल चार्ज मिल गया। इंदौर, ये भारत का पहला शहर बना है जिसने रोबोट का इस्तेमाल करा है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने इसको जरूर देखा होगा, रोबोट को ये इंदौर के अंदर लगाए और ये ट्रैफिक के सारी वो लाइटें दिखाता है, ग्रीन रेड वगैरह सब। और इसको बनाया किसने है, इसको दो प्रोफेसर ने मिलकर बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं दोनों, एक हैं प्रोफेसर राहुल तिवारी और दूसरे हैं अनिरुद्ध शर्मा, इन्होंने मिलकर बनाया है, इसको डिज़ाइन करा है। लेकिन क्या इंदौर दुनिया का पहला शहर है जिसने रोबोट का इस्तेमाल करा है पुलिस के तौर पर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है, राइट, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता पहले? नहीं, दुनिया का पहला जो पुलिस रोबोट है वो इस्तेमाल करा दुबई ने, डाउनटाउन दुबई के अंदर, ये बुर्ज खलीफा जो इमारत है उसके नियर, ये इसको नाम दिया गया, इनको नाम दिया है रोबोकॉप, यानी रोबोट भी है और कॉप मतलब पुलिस वाला भी है, तो रोबोट पुलिस वाला यानी रोबोकॉप नाम दिया है। तो दुनिया का पहला पूछें तो आंसर है दुबई, इंडिया का पहला है इंदौर। भारत की सरकार जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने उधार मांगा है $275 मिलियन का। $1 मिलियन होता है 6 करोड़ रुपये, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास लिया है। ये क्यों लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये हमारे जो शहरीकरण हुआ है छोटे शहरों का मध्य प्रदेश में, जो छोटे शहर हैं और ज़्यादा अर्बनाइज हुए हैं, ग्रामीण से शहरों में तब्दील हुए हैं, तो उनमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो पाइप बिछाए जाएंगे, पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये धन लिया है। इसमें 124 मिलियन जो खर्चा है वो करेगी सरकार, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कहा है कि ये जून 2022 में ही पूरा हो जाएगा। वैसे 2022 जो साल है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चीज़ों की डेडलाइन है ये। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, और जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम जो आवास योजना है जिसे बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, उसकी डेडलाइन भी 2022 है। आपको पता होगा हाउसिंग फॉर ऑल में हमें 6 करोड़ घर बनाने हैं, 4 करोड़ गाँव में, 2 करोड़ शहरों में, कब तक, 2022 तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेडलाइन है 2022, और इसमें 3 लाख घर हैं जो 64 छोटे टाउन्स में कवर किए जाएंगे इस पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के थ्रू। एक और बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये जापान डोमिनेटेड बैंक है, इसी साल इसके 50 साल पूरे हुए हैं, याद रखिए 1967 में बना था ये और 50 साल पूरे हुए हैं। तो मीटिंग भी हुई थी इसकी 50th मीटिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, जापान में नहीं है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है,
और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि जापान डोमिनेटेड बैंक है तो जापान का ही है, उसका नाम है ताकेहिको नकाओ, ताकेहिको नकाओ। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इस बैंक में जापान का है, फिर अमेरिका का है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चाइना का है, चौथे नंबर पे इंडिया का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने एक और बड़ा लोन उठाया है, वो है $350 मिलियन का लोन। ये उठाया है ब्रिक्स बैंक से। ब्रिक्स क्या है? पांच देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनके बैंक को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और इस बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो भारतीय है, उनका नाम है के वी कामत। ये प्रोजेक्ट किस लिए है? मध्य प्रदेश में सड़कें बनाने के लिए। मध्य प्रदेश में 1500 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट रोड बनाई जाएंगे, उसके लिए ये पैसा लिया है मध्य प्रदेश ने, लोन लिया है $350 मिलियन का लोन, लगभग आप कह सकते हैं 2000 करोड़ के आसपास का लोन होगा ये। और ये 5 सालों के में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमारे जो मंत्री हैं रोड के लिए वो नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा एक नई योजना किसानों के लिए स्टार्ट की गई है। ये इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि मंडसौर में, मंडसौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे बवाल हो गया, वहाँ पे किसानों के ऊपर गोलियाँ चला दी CRPF ने। इसमें कई किसान मारे गए, आई थिंक 6 किसान मारे गए थे मंडसौर में, बहुत हिंसा हुई। किसान जो है वो क्या मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा लोन माफ़ कर दो, यानी लोन वेवर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक हफ्ते से चल रही थी प्रोटेस्ट, फिर वो हिंसक हो गई और वो ये कह रहे थे कि जो भी उनकी पैदावार है उसका उन्हें फेयर प्राइस मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह मिल जाए, जिससे उनके ऊपर उधार ना चढ़े। अभी हिंसा हो गई चारों तरफ। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया कि हिंसा फैले ना, तो जो भी मरा है उसको 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, उसके परिवार वालों को, जो भी मरा है 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और एक योजना भी स्टार्ट कर दी फार्मर के लिए, इसका नाम है कृषि ऋण समाधान योजना। ऋण मतलब होता है आपका जो डेट होता है या लोन होता है, कृषि ऋण समाधान योजना। ये फार्मर्स के लिए डेट रिलीफ स्कीम है जो स्टार्ट करी गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया है। अब इस स्कीम में है क्या? इस स्कीम में ये है, एक तो फार्मर्स को अब जो लोन है वो आसानी से मिलेगा, दूसरा जो लोन पे इंटरेस्ट है वो कम कर दिया गया है, तो ये स्कीम के अंदर किया गया है। इस और मध्य प्रदेश ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था, उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 5 करोड़ पेड़ लगा दिए थे, तो मध्य प्रदेश ने अब 6 करोड़ लगा के उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो लोग हैं वो यहाँ आए थे मध्य प्रदेश में और जगह जगह वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और वास्तव में रिकॉर्ड टूट गया है। तो मध्य प्रदेश ने एक ही दिन में 6 करोड़ पौधे लगा दिए, याद रखिए। और ये कहाँ लगाए? नर्मदा के आसपास, नर्मदा को बचाने के लिए। और ये वही नर्मदा जो सेवा है उसमें ही, उसी का पार्ट है ये। तो इसमें जो 3 करोड़ पौधे हैं वो वन विभाग ने लगाए हैं, उसको अरेंज करें मतलब, और जो बाकी 3 करोड़ पौधे हैं वो प्राइवेट नर्सरी और दूसरे डिपार्टमेंट से लिए गए हैं, वन विभाग ने दिए हैं 3 करोड़ पौधे। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था 2016 में उन्होंने बनाया था, अखिलेश यादव के टाइम में। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनेगा, मध्य प्रदेश में, राजधानी मध्य प्रदेश की है भोपाल। ग्लोबल स्किल पार्क क्या होता है? ये कौशल विकास के लिए होता है, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। हमारे स्किल डेवलपमेंट के मंत्री कौन है? राजीव प्रताप रूड़ी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी दोनों मौजूद थे जब ये इसकी आधारशिला रखी गई, यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया, शिलान्यास जिसे बोलते हैं। ये 37 एकड़ में बनेगा, और ये बनेगा कहाँ? भोपाल में कहाँ बनेगा? नरेला शंखरी एरिया के अंदर। इसमें हर साल 1000 बच्चों को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उनकी प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट की कोशिश भी की जाएगी। हो सकता है उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट भी, उसकी भी कोशिश की जाएगी। इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है? क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम ग्लोबल स्किल पार्क बना दें? तो इसमें हमारी मदद कर रहा है सिंगापुर। तो सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विस, यानी ITES, हमारी मदद कर रहा है, और इसमें टोटल पैसा लगेगा 645 करोड़। अब इन्होंने कुछ और स्कीम स्टार्ट करी हैं। एक है हमारी शाला कैसी हो, शाला मतलब होता है स्कूल, पाठशाला, हमारी शाला कैसी हो। और दूसरी है शाला सिद्धि कार्यक्रम योजना, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है, 25,000 स्कूलों के अंदर हुई है। ये है क्या? देखिए, ये है कि हम अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हम क्या करना चाहते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपस में कॉम्पिटिशन करवा दो। तो इसमें जो सरकारी स्कूल हैं उनमें क्वालिटी जो एजुकेशन की है वो बढ़ाई जाएगी और क्वालिटी चेक करी जाएगी। तो कई लेयर इसमें बना दिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो स्कूल नॉमिनेट होंगे उसमें, फिर टॉप 50, फिर टॉप 10, फिर इस तरह से, तो स्कूलों को अवार्ड दिए जाएंगे। कई तरह के अवार्ड्स हैं इसके अंदर, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें बेसिकली पाठशालाओं के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और इसको चलाया है, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार करा है वो तैयार करा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने, याद रखिए। और आप जानते हैं एजुकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर आता है, यानी HRD मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो उन्होंने ये तैयार करा है। इसके अंडर ही है ये डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
चौथा राष्ट्रीय सम्मिट हुआ, नेशनल सम्मिट किस चीज पर, गुड रेप्लीकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये इंदौर के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश में 2017 की अंदर ही हुआ ये चौथा राष्ट्रीय सम्मिट। गुड रेप यानी हम अपनी हेल्थ केयर को कैसे अच्छा करें, क्योंकि याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थर्ड है, तीसरा, वो क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यानी सारे कंट्री यूएन के जो 193 देश है सबको क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि सबको हेल्थ केयर मिले। और भारत में क्या हो रहा है, हेल्थ केयर प्राइवेटाइज हो रही है, तो गरीब लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ज़्यादा है क्योंकि सारी प्राइवेटाइज हो रही है, तो इसीलिए हमें इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए गुड रेप्लीकेबल प्रैक्टिसेज एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर, यानी सरकारी अस्पतालों में हम कैसे जो हेल्थ केयर है उसे अच्छा कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई और इसका इनोग्रेशन भी किया लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वैसे जेपी नड्डा। अब इसमें अवार्ड्स दिए गए कई सारे कि भारत के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, अगर वो दिखा के बाहर की बाहर चला जाता है उसे बोलते हैं ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर वो एडमिट होता है तो उसे बोलते हैं इंडोर सर्विस। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इंडोर सर्विसेज में उसके लिए अवार्ड दिए गए। और जो कई तरह के अवार्ड थे इस कैटेगरी में, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडोर सर्विसेज में, वो है दमन दीव। बेस्ट स्टेट है आउट पेशेंट सर्विसेज में गुजरात, पंजाब और झारखंड। और जो एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी फॉर यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली। तो ये चार अवार्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अवार्ड फॉर डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो बड़े राज्य हैं उनके अंदर जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल। अवार्ड फॉर डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स, छोटे राज्यों में मणिपुर। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अवार्ड फॉर डिक्लाइन, इसमें यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी। और बेस्ट परफॉर्मेंस रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए असम एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे अवार्ड दिए गए, आपको याद रखना चाहो रख लो, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश का बजट, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने अपना बजट प्रस्तुत करा, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं जयंत मालिया, उन्होंने ये प्रस्तुत करा। टोटल जो बजट था वो था 1,85,564 करोड़ का, और ये प्रस्तुत किया गया 1 मार्च को। और जो खर्चे हैं राज्य के वो एस्टिमेटेड हैं, नेट एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया है वो है 1,69,954 करोड़ रुपीज़, यानी कि सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, 4,596 करोड़, ज़्यादा ही है कम नहीं है। तो इनमें देख लेते हैं मेन मेन चीज़ें क्या पूछ सकते हैं। दीनदयाल रसोई योजना जो है, रसोई ये उसके लिए 10 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं दीनदयाल रसोई योजना के लिए। और ये मैं जैसे मैंने बताया, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और इसीलिए इस साल को मनाया जाएगा गरीब कल्याण वर्ष। ये भी अनाउंस करा शिवराज सिंह चौहान ने, गरीब कल्याण वर्ष, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जन्मे 100 साल हो गए। और इसमें 102 करोड़ रुपये जो हैं वो खर्च किए जाएंगे पेड़ वगैरह लगाने के लिए नर्मदा के आसपास। 10 करोड़ रुपये वेदांत पीठ बनेगी, वेदांत पीठ ओमकारेश्वर में, ये आदि गुरु शंकराचार्य को सम्मान देने के लिए बनेगी वेदांत पीठ, उसके लिए 10 करोड़ रुपए। वीर भारत न्यास ये बनेगा, इसमें 9 करोड़ रुपए लगेंगे। वीर भारत न्यास ये है कि जो हमारे शहीद हैं, परमवीर चक्र विजेता वगैरह हैं, ये सब हैं, इनको यादगार बनाने के लिए, इनकी यादों में कॉमेमोरेट करने के लिए बनेगा वीर भारत न्यास, इसमें 9 करोड़ रुपए लगेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक सुशासन, उसके लिए 25 करोड़ लगेंगे। और याद रखिए बीजेपी जो है उसी ने शुरू करा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी होता है लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। एक और चीज़ याद रखिए, बात क्योंकि यहाँ पे हमारे शहीदों की हो रही है, तो भारत में बहादुरी के लिए सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, खासकर वॉर टाइम में दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। भारत से 21 लोग हैं जिन्होंने अभी तक जीता है ये परमवीर चक्र। अब 1999 कारगिल युद्ध के बाद कोई युद्ध ही नहीं हुआ, यानी कि पिछले 1999 से यानी 18 साल से किसी को भी परमवीर चक्र नहीं मिला है, क्योंकि ये सिर्फ वॉर टाइम में दिया जाता है। पीस टाइम में सबसे ऊंचा अवार्ड होता है अशोक चक्र, तो अशोक चक्र तो कईयों को मिले लेकिन परमवीर चक्र नहीं मिला 1999 के बाद। तो जो परमवीर चक्र विजेता हैं हमारे 21, इनकी फोटो हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एक दीवार पर लगाई जाएगी, ये कहा है HRD मंत्रालय ने, स्कीम चलाई है, इसका नाम है विद्या वीरता अभियान। मैं रिपीट करता हूँ, विद्या वीरता अभियान ये है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक दीवार बनाई जाएगी सब में, जिसमें हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, जैसे बाना सिंह है, जैसे ये सब हैं, इनके फोटो लगाए जाएंगे। और इनके फोटो लगाने से क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर एक देशभक्ति की भावना उजागर होगी, ऐसा कहना है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इसके अलावा अभी JNU में टैंक आ रहा है, दिल्ली में जो JNU है उसमें टैंक आ रहा है आर्मी का, इससे भी स्टूडेंट्स के अंदर देशभक्ति की भावना हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। और पहले भी टैंक कई कॉलेज में रखे गए, जैसे VIT वेल्लोर है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी टैंक रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो ये सब किया जा रहा है।
इसके अलावा कुछ और एलोकेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट और फिगर। एजुकेशन में जो बजट है उसमें इतना खर्चा हुआ, एनर्जी में इतना, जैविक ऊर्जा वगैरह में, सोलर एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, ग्रामीण विकास के लिए 14,000 करोड़, शहरी विकास के लिए 11,490 करोड़, पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 8,000 करोड़, पेंशन में लगभग इतना, तो ये सब इतना नहीं पूछेंगे। हाँ, कैलाश मानसरोवर के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, कैलाश मानसरोवर कहाँ है? कैलाश मानसरोवर है तिब्बत में। तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना का, तो चाइना के अंदर है ये कह सकते हैं। तो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और कैलाश मानसरोवर बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ है क्योंकि ये कैलाश के पहाड़ों में है जहाँ भगवान शिव का घर है। और कैलाश मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक तो निकलती है सिंधु नदी इंडस जो भारत आके पाकिस्तान जाती है, एक निकलती है सतलुज नदी जो भारत आती है फिर पंजाब जाती है फिर सिंधु में मिल जाती है, और एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ है हिंदुओं के लिए। मध्य प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य बना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप देनी शुरू कर दी है। स्कॉलरशिप क्या होती है? अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे तो हम उसे स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप के तौर पर कुछ भी मिल सकता है, स्कॉलरशिप फ्री बुक्स मिल सकती हैं, आपको पैसा मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो 80 लाख स्टूडेंट्स को ये देगा मध्य प्रदेश, 1 क्लास से 12वीं क्लास तक को। ये पहला राज्य बना है भारत का जिसने इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप दी है। इसका नाम इन्होंने रखा है मिशन वन क्लिक, मिशन वन क्लिक। इसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो बच्चों को दिया जाएगा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, याद रखिए। और सारे बच्चों का एक डेटा बैंक बनाया जाएगा, 82 लाख बच्चों का डेटाबेस बनाया जाएगा ऑनलाइन, और जिससे पारदर्शिता आए कि स्कॉलरशिप जिसे मिलनी है उसमें। मध्य प्रदेश का जो पहला कैशलेस गाँव है वो कौन सा है? इसका नाम है बड़जिरी। कैशलेस मतलब क्या है? इस गाँव में कोई भी कैश से भुगतान नहीं करेगा, हालांकि अब तो दोबारा पुनर्मुद्रीकरण हो गया है विमुद्रीकरण के बाद, अब तो खैर यूज़ कर लेंगे, लेकिन उस वक्त अनाउंस हुआ था ये, आई थिंक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अनाउंस हुआ था ये, कि बड़जिरी है मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव, और ये भोपाल सहोर का जो रोड है उस पे है, यहाँ सिर्फ 300 से 400 घर हैं, छोटा सा गांव है ये। और इंडिया का पहला कैशलेस और डिजिटल गाँव कौन सा है? वो है अकोडरा। ये अकोड़ा है गुजरात में साबरकंठ में डिस्ट्रिक्ट के, और इसे कैशलेस बनाया ICICI ने। और अगर पूछें कि दक्षिण भारत का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, दक्षिण भारत का, पूरे दक्षिण भारत का, तो वो है इब्राहिमपुर। इब्राहिमपुर है तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो समलैंगिक है, गे, गे होते हैं जब दो मर्द आपस में शादी का विचार करते हैं, उसको बोलते हैं समलैंगिकता। तो गे प्राइड परेड हुआ, ये LGBT कम्युनिटी बोलते हैं इसे, यानी इसमें लेस्बियन होती हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और ट्रांसजेंडर होते हैं। तो मध्य प्रदेश ने सेलिब्रेट करा अपना पहला गे प्राइड परेड, यानी LGBT के अधिकार जो है उन्हें मिलने चाहिए उसके लिए, और ये भोपाल में हुआ जुलाई में। नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, साथ इनिशिएटिव। और इसमें जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, ये शॉर्टलिस्ट किए गए थे हेल्थ सेक्टर के लिए, और एजुकेशन सेक्टर के लिए किए गए हैं उनमें 3 हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, याद रखिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कराया नीति आयोग ने, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है क्या? देखिए, प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के जो इस वक्त चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वही रहते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग का चेयरमैन होता है, जिस तरह प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही होता था। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन पहले अरविंद पंगरिया थे, अब हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग का जो CEO है वो है अमिताभ कांत। अब नीति आयोग ने 6 राज्य ऐसे चुने हैं जिनको आदर्श राज्य बनाया जाएगा, या तो एजुकेशन में या हेल्थ केयर में, क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एजुकेशन में जो बनाया जाएगा उसमें मध्य प्रदेश का भी नाम है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है। और हेल्थ में जो बनाया जाएगा उसमें है उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक, इसका नाम है साथ इनिशिएटिव। चलिए मध्य प्रदेश की कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। मध्य प्रदेश ने एक फूड कमीशन बनाया है, फूड कमीशन। ये क्या करेगा फूड कमीशन? देखिए, इसमें 4 मेंबर हैं और इसके हेड होंगे राज किशोर स्वैन, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये है कि हर गरीब को खाना मिलना चाहिए, वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि पूरे राज्य में कोई भूखा ना मरे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करो, उसके लिए बनाया है फूड कमीशन मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके अलावा ये चेक करो कि जो मिड डे मील की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, और मिड डे मील ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं, ये भी चेक करो। तीसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको ठीक करो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके थ्रू जो भी ज़्यादा पैदावार होती है, जो सरकारी गोदामों में जो खाद्यान्न भरे रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, जिससे वो सड़े ना वहाँ पे। और PDS के थ्रू ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने इंप्लीमेंट करी, क्योंकि भारत में लगभग 30 से 40% जो भी खाना है वो वेस्ट हो जाता है। तो
तो ये सब करेगा फूड कमीशन। और मिड डे मील की क्वालिटी चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उसका नाम है मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने कालिदास सम्मान मिलता है शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य यानी क्या बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य को, क्लासिकल थिएटर के लिए, कला के लिए, आर्ट वगैरह, इन सब के लिए मिलता है कालिदास सम्मान। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसे दिया ये? ये दिया है दो लोगों को, राज बिसरिया और बंसी कौल। लेकिन याद रखिए, राज बिसरिया और बंसी कौल को ये मिला है तो राज बिसरिया को ये मिला है 2015-16 के लिए, और मिस्टर बंसी कौल को ये मिला है, मिस्टर बिसरिया को मिला है 2015 के लिए और मिस्टर कौल को मिला है 2016-17 के लिए। तो ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिया था कालिदास सम्मान। अब बात करते हैं कैन बेतवा नदियों को जोड़ने का जो प्लान है, इसको बोलते हैं कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए कैन नदी जो है वो ये वाली है, ये बेतवा है, सॉरी ये कैन है, ये कैन नदी है और ये बेतवा नदी है। अभी हम इनको जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कैन नदी में पानी काफ़ी रहता है, सरप्लस पानी है, बेतवा नदी है सूख जाती है। अगर कैन और बेतवा को जोड़ दें तो कैन का पानी चला जाएगा बेतवा में, इससे क्या होगा, जो सूखा बुंदेलखंड का इलाका है उसमें पानी चला जाएगा। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है, ये है बेतवा और ये है कैन, ये हमने ऐसे जोड़ दिया। प्रॉब्लम ये, जो जोड़ने वाला जो प्लान है बीच में पड़ जाता है पन्ना नेशनल पार्क, ये पन्ना है और पन्ना में ज़्यादातर रखे जाते हैं टाइगर और वल्चर यानी गिद्ध। और इस प्रोजेक्ट को अगर पूरा करना है तो पन्ना के थ्रू जाएगा, यानी पन्ना को शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 5500 हेक्टेयर जमीन है पन्ना टाइगर रिजर्व की जो शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मंजूरी मिल गई है पर्यावरण मंत्रालय से भी और एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई थी उससे भी। तो अब ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये वही सब है, इसमें टोटल खर्चा होगा 10,000 करोड़, और लेकिन इससे फायदा ये होगा कि 6 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसको पानी मिल पाएगा। और बुंदेलखंड आप जानते हैं बहुत मतलब बुरी हालत है वहाँ पे, सबसे गरीब भारत के एरियाज में से है। और तो अब इसमें प्रॉब्लम भी बस यही आ रही थी कि ये जो पन्ना पार्क है इसका क्या करें, तो जो क्योंकि पर्यावरण जो के जो लोग हैं, जो एनजीओ वगैरह हैं, वो काफ़ी धरने दे रहे थे कि इससे पन्ना नेशनल पार्क ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन फाइनली सरकार ने फिर कहा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो प्रोजेक्ट है इससे फ़ायदा किस किस को होगा? देखिए फ़ायदा इससे बुंदेलखंड को होगा, और इसमें क्योंकि जो कैन नदी का पानी है ज़्यादा, कैन नदी जो है मध्य प्रदेश में, उसका जो पानी है वो बेतवा में चला जाएगा। और कैन नदी जो दोधा विलेज है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उस पर एक डैम भी बनाया जाएगा, याद रखिए, और इसकी क्षमता होगी 60 मेगावाट। चलिए अब एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं रोटा वायरस। देखिए रोटा वायरस ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, और भारत में हर साल आप समझ लीजिए लाखों ही नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा जो भारत में जो बच्चे मरते हैं उनमें एक सबसे बड़ा कारण है डायरिया यानी लूज मोशन, दस्त लगना, दस्त की वजह से बच्चे मर जाते हैं और रोटा वायरस से दस्त हो जाते हैं। तो रोटा वायरस से निपटने के लिए एक टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, सरकार ने, इसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर रोटा वायरस। इसमें जो नए राज्य हैं 5 जोड़े गए हैं, उनमें एक मध्य प्रदेश भी है। तो जो पहले राज्य थे वो थे सिर्फ 4, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था रोटा वायरस टीकाकरण, तो 4 राज्य थे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ पे 38 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया, अब इसमें 5 राज्य और जोड़ दिए, तो 5 में एक मध्य प्रदेश भी है। तो याद रखिए रोटा वायरस नाम है जिसके लिए ये किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री बिजली सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम बोलते हैं सौभाग्य स्कीम। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसमें 45 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है मध्य प्रदेश का, वो इसको लागू करेगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर कितने लोग लाभ उठाएंगे इस स्कीम का? 45 लाख परिवार। मध्य प्रदेश की जो ये स्कीम है, ये पावर फॉर ऑल स्कीम जो चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी की तरह इसको चलाया जाएगा। और इसमें ऐसे लोग कौन है यानी कि जो बेनिफिशियरी हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से सिलेक्ट किए जाएंगे, इसके बेस पे बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कोई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 जो 2011 का था SECC, उसमें उसका नाम नहीं है और वो फिर भी चाहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाए, तो उसे सिर्फ 500 रुपए देने होंगे। 500 रुपए देके वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवा सकता है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। और ये जो स्कीम है ये पूरे भारत में लागू की जा रही है, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं है, लेकिन हर स्टेट अपना एक टारगेट बना रहा है। और इसकी डेडलाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन है इसकी दिसंबर 2018।
तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम होती है उनकी एक डेडलाइन होती है कि हमें कब तक पूरी करनी है। तो जैसे हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी डेडलाइन है 2022, तो इसकी डेडलाइन है दिसंबर 2018, यानी हाँ बस एक ही साल बचा है। और इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार जो है उसने जो बजटरी सपोर्ट रखा है, जो बजट के अंदर पैसा अलॉट किया है, वो है 16,320 करोड़ रुपए। और इस स्कीम का पर्पस बस एक ये है कि 24 घंटे सातों दिन जो परिवार है रूरल और अर्बन एरिया के, उन्हें बिजली मिलनी चाहिए, वो उससे वंचित ना रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक टारगेट और बनाया है और वो ये कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य हैं भारत में और 7 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सब में मार्च 2019 तक हमें उनका विद्युतीकरण करना है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। ये टारगेट है मार्च 2019 तक। एक और बात, मार्च 2019 से मेरा मतलब है 31 मार्च 2019 जब वित्तीय वर्ष खत्म होगा, और 31 मार्च 2019 ही हमारी डेडलाइन है जो बेजल 3 नॉर्म्स हमारे बैंक्स को कंप्लाइंट करने हैं, जिसमें हमें रिस्क इज टू वेटेड एसेट रेशियो जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो हमें मेंटेन करना है, उसकी डेडलाइन भी है 31 मार्च 2019। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट योजना मध्य प्रदेश में चल रही है जिसका नाम है कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना। मैं रिपीट करता हूं, कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना। ऋण मतलब होता है लोन, जो लोन होता है उसको बोलते हैं ऋण। तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने लॉन्च करी है ये स्कीम, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे फार्मर कोऑपरेटिव लोन फ्रेंड्स स्कीम, फार्मर कोऑपरेटिव लोन फ्रेंड्स स्कीम। इस स्कीम में जो जो किसान है उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना जो एग्रीकल्चर या क्रॉप लोन है, जो उन्होंने फसल बोने के लिए लिया है या दूसरे कारणों के लिए कृषि संबंधी जो लोन लिए हैं, उनको टाइम पे दोबारा चुकता करें, उनको उनका जो भुगतान है लोन का वो दोबारा करें, उन्हें वापस दे मतलब लोन। तो इस चीज के लिए उन्हें जो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार है वो अवार्ड्स देगी। ये अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिए जाएंगे, स्टेट लेवल पे भी दिए जाएंगे। उन वो किसान जो अपना लोन वापस चुका देते हैं समय पे, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। अब इसमें वो किसान जो अपना रेगुलरली लोन वापस दे रहे हैं पिछले 3 साल से या 5 साल से, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, रेस्पेक्ट दी जाएगी बाय प्लेसिंग अ केव एंड गिविंग अ साइटेशन अलोंग विद देयर नेम टू बी रजिस्टर्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनको उनका जो नाम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उनकी है उसके इंफॉर्मेशन बोर्ड पे आएगा, तो इस तरह से उनका नाम देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऋण मित्र योजना में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन किसानों को सम्मान दिया जाएगा जो 3 साल तक अपना लोन टाइम पे चुका रहे हैं, और वो किसान जो 5 साल तक अपना लोन टाइम पे चुका रहे हैं उनको स्टेट लेवल पे सम्मान दिया जाएगा। तो जिले लेवल पे दिया जाएगा जो 3 साल वाले हैं, और 5 साल से जो अपना लोन चुका रहा है किसान उसको 5 साल। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि वो किसान जिन्होंने जो अपना लोन अमाउंट टाइम पे नहीं चुका रहे हैं वो चुका सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, मतलब उन पे उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जैसे दातिया बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट के बैंक हैं जैसे दातिया बैंक वगैरह, जहाँ पे लोन रिकवरी परसेंटेज 15% से कम है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया है, क्योंकि इससे जो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी 3 राज्यों में भारत में अकाल पड़ा था इस साल 2017 में जो भी ख़त्म हुआ है, तो इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनके 52 ऐसे जिले हैं जो अफेक्ट हुए हैं। टोटल 270 तहसील हैं और 52 जिले हैं टोटल मिला के तीनों में जो अफेक्ट हुए हैं, जिन्हें ड्रॉट हिट एरिया घोषित किया गया था खरीफ सीजन के अंदर। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 18 जिले हैं जो ड्रॉट हिट यानी जो अकाल पीड़ित घोषित किए गए थे, और 133 तहसील हैं इनके अंदर, 133 तहसील 18 जिलों के अंदर। टोटल जो सहायता दी है केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को मिला के, वो दी है 11,186 करोड़, इसमें से मध्य प्रदेश को मिलेगा 3,706 करोड़ रुपए। और खरीफ सीजन आप जानते ही हैं कि खरीफ सीजन में हम चावल उगाते हैं, समर सीजन होता है ये, और उसके बाद स्टार्ट होता है राबी सीजन जो नवंबर से मार्च तक चलता है। और राबी सीजन भी मध्य प्रदेश में अफेक्ट हो सकता है, गेहूं जो अफेक्ट हुआ है क्योंकि जो पानी की कमी है मॉनसून कम होने की वजह से, उसकी वजह से भी मध्य प्रदेश में राबी सीजन भी इस बार अफेक्ट हुआ है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो ड्रेस कोड चाहती है स्कूल टीचर्स के लिए, यानी जो सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजेस में जो टीचर काम करते हैं उनकी एक ड्रेस होनी चाहिए प्रॉपर। तो उनकी ड्रेस कोड, ये पहली बार है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का एक प्रपोजल सरकार ने रखा है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल और टीचर्स में एक ड्रेस कोड होना चाहिए
टीचर्स की भी एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि इससे जो टीचर है उनके अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और उनका एक समाज में दर्जा भी बढ़ेगा, उन्हें समाज में रिकग्निशन मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो जनजातियां, वो ट्राइबल्स, वो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं जो मेल नरिश्ड हैं, जो कुपोषण का शिकार हैं, उन्हें ₹1,000 मिलेगा भोजन के लिए। सो इसमें विशेष तौर पे सहारिया ट्राइबल्स जो हैं मध्य प्रदेश में, उनको ₹1,000 पर मंथ मिलेगा ईच, हर एक व्यक्ति को ₹1,000 पर मंथ मिलेगा भोजन के लिए। इसके अलावा जो ट्राइबल हैं मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें वीट, राइस, नमक वगैरह ये सब सब्सिडाइज रेट पे देती है ₹1 per kg। अब जो ₹1,000 इन्हें मिलेगा, ऑलरेडी ₹1 per kg पे इन्हें भोजन मिलता है, अब जो ₹1,000 मिलेगा उससे ये फिर दूसरी चीज़ें भी खरीद पाएंगे, जैसे दूध खरीद पाएंगे, सब्जियां, फल, ये सब भी खरीद पाएंगे। मध्य प्रदेश में 50,000 सहारिया चिल्ड्रन हैं जो कुपोषण का शिकार है शिवपुरी में और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, और पिछले साल 150 की डेथ भी हो गई थी। और जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये भी अनाउंस करा है कि एक शबरीमाला टेम्पल वहाँ पे बनेगा ₹7.5 crore की लागत से, और एक हॉस्टल वगैरह भी बनेंगे एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, जहाँ पे ट्राइबल के जो बच्चे हैं, जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं, वो जाके पढ़ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश में एक शबरीमाला टेम्पल बनेगा, इस पे ₹7.5 crore का खर्चा होगा, और हॉस्टल बनेंगे ट्राइबल बच्चों के लिए, एक ग्वालियर में और दूसरा इंदौर में। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आधारशिला रखी, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है मध्य प्रदेश में, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट भी कई तरह के होते हैं, रूफ टॉप होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, ये वाला जो है ये है मेगा सोलर पावर प्लांट। ये बनेगा गढ़ तहसील में और ये है रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या आप मुझे कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी का नाम पहले रेवा था? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं अगर आप जानते हैं तो? चलिए एक और बात, जो ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी स्टेशन में, ये किसके काम आएगी? ये दिल्ली मेट्रो को मिलेगी, अपनी जो ट्रेन चलाती है मेट्रो, और जो मेट्रो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं हमारे हरदीप पुरी। तो ये जो बिजली जनरेट होगी ये दिल्ली को दी जाएगी। टोटल जो बिजली जनरेट होगी वो होगी 750 megawatt, 750 megawatt, और इसमें खर्चा आएगा ₹4,500 crore, और 1600 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। एक और इंपॉर्टेंट बात, सोलर जो सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल का मतलब ये है वो जैविक ऊर्जा है, बार बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, हवा भी प्रदूषण नहीं होता। तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी जैविक ऊर्जा के लिए जो हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं उसके आर के सिंह, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आर के सिंह हैं, और इन्होंने टारगेट ये रखा है कि 2022 तक भारत की सरकार 175 गीगावाट होता है 175,000 megawatt, इतनी बिजली जैविक ऊर्जा का उत्पादन करेगी, इसमें से 175 में से 100 गीगावाट होगी सोलर पावर। और सोलर पावर के बारे में एक और चीज जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो ये, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए, जो बहुत सारे देश इसको साइन कर चुके हैं, ये फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया है। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा हॉलैंड और भारत के तो मोदी थे। तो जब COP21 हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें अनाउंस किया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में होगा, गुरुग्राम, और ये बहुत बड़े लेवल का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर होगा, याद रखिए। अब एक चीज और समझनी है, ये जो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का प्लांट बन रहा है, ये 750 का बन रहा है, क्या ये 750 का एक साथ लगा दिया जाएगा? नहीं, इस प्लांट में तीन चरण होंगे, 250 के तीन, तो 250 मेगावाट के तीन यूनिट लगाए जाएंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी इसको लगने से, सिर्फ ₹3 से भी कम हो जाएगी पर यूनिट जो कॉस्ट। मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं उनमें रैगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये वहाँ का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सारा क्लेम किया था कि रैगिंग मध्य प्रदेश से हमने ख़त्म कर दी है और ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रैगिंग के केस आए हैं उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में केस आए हैं 142 और मध्य प्रदेश में आए हैं 100। और UGC ने एक हेल्पलाइन चलाई थी जिसपे आप रैगिंग अगर हो तो रिपोर्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से ये मैं फिगर्स आपको दे रहा हूं। ये इन्होंने 2009 में शुरू की थी ये हेल्पलाइन UGC ने, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कंप्लेन आए हैं मध्य प्रदेश से। ये UGC के एंटी रैगिंग हेल्पलाइन
जो नंबर है उसमें ये फिगर रिलीज हुए हैं, और तीसरे नंबर पे बंगाल है, बंगाल में 97 कंप्लेन रिसीव हुई हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो ज़्यादा कंप्लेन जो रिसीव हुए हैं वो मेल स्टूडेंट्स के द्वारा हुए हैं। जो बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा कंप्लेन दर्ज करी है कि उनके साथ रैगिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल्स, कंपेयर टू बच्चियाँ। और 100 जो कंप्लेन रिसीव हुए हैं मध्य प्रदेश से, उनमें से 91 कंप्लेन हुए हैं बॉयज़ के और सिर्फ 9 हुए हैं फीमेल्स के। मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो उनके लिए ऐसा ही कानून आपको याद होगा, एक प्रणाम एक्ट पास करा है असम ने, प्रणाम नाम है इसका, प्रणाम एक्ट इज पास बाय असम। तो इसमें मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और अगर वो नहीं रखते तो, और अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी में से 10% कटेगा और 10% ये फिर उनके माँ बाप को दिया जाएगा जिससे वो अपना ख्याल रख सकें। तो वो लोग जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं उनकी सैलरी में से 10% उनकी सैलरी कटेगी, और ये जो पैसा है फिर ये खर्च होगा उनके पेरेंट्स के ऊपर। सन 2007 में एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत जो मैक्सिमम मंथली मेंटेनेंस है इस कानून के तहत पेरेंट्स के लिए वो है 10,000 रुपये, और अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपको 3 महीने की जेल या 5,000 रुपये तक फाइन हो सकता है। मध्य प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से जो सीनियर सिटीजन है वो है 8%। मध्य प्रदेश की 8% आबादी सीनियर सिटीजन है, लेकिन अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात माने NCERB की, तो मध्य प्रदेश दूसरा सबसे अनसेफ राज्य है एल्डरली सिटीजन के लिए भारत में, दूसरा सबसे अनसेफ। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो विधानसभा है, उन्होंने एक बिल पास करा है। ये बिल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की का रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बिल पास करा है और ये विधानसभा में पास हो भी चुका है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करा था वहां के राज्य के लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर रामपाल सिंह ने, और इस बिल का नाम है दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2017। तो ये अमेंडमेंट है पुराने विधेयक में, दंड विधि विधेयक, और इसमें ये मध्य प्रदेश का संशोधन है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप होता है तो फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब इस विधेयक को डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेप की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें 2015 में, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेप केसेस मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हुए थे। 2015 के अंदर मध्य प्रदेश में 4,391 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। और 2014 में भी कम नहीं थे, 2014 में 5,076, जो पूरे भारत के 14% ऑफ टोटल रेप इंसिडेंट थे भारत में। अब इस बिल को डिटेल में स्टडी करते हैं। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 376A, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने संशोधन किया है। अब ये क्या है संशोधन, आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेप, फिर गैंग रेप, और फिर जो मोलेस्टेशन या दूसरे तरह के हेरासमेंट होते हैं। तो सबसे पहले रेप में या तो फांसी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है किसी को वो हमेशा फांसी होती है, तो मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है, और मिनिमम पेनल्टी 14 ईयर्स। तो डेथ 14 साल सजा है, ये रिगोरस इंप्रिजनमेंट होगी, या अगर मान लीजिए 14 साल रिगोरस इंप्रिजनमेंट नहीं है तो फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ, आजीवन कारावास मृत्यु तक, ये उनके लिए है जिन्होंने, जो रेप के दोषी हैं 12 साल या उससे कम एज के बच्चियों के साथ। अब बात करते हैं गैंग रेप की। गैंग रेप में मैक्सिमम तो डेथ ही है, और मिनिमम जो है उसे 14 साल से बढ़ा के कर दिया है 20 साल। तो 20 साल रिगोरस इंप्रिजनमेंट या आजीवन कारावास टिल डेथ। इसके अलावा स्टॉकिंग जो होती है, पीछा करना लड़कियों का, या मैरिज के नाम पर उनसे संबंध बनाना, इन सब के भी पनिशमेंट काफी ज्यादा किए गए हैं। इस बिल में यह भी प्रपोज किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को स्टॉक करता है, या वो कोई दूसरी बार मतलब स्टॉक करता है या डिसरोब करता है लड़की को, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो जेल टर्म जो बढ़ा देनी चाहिए। अब कितनी कितनी कैसे बढ़ानी चाहिए वो बताता हूं। 3 साल से 7 साल ये उनके लिए होगा जो लड़कियों को हैरेस करते हैं, किसी भी तरह का उत्पीड़न पहुंचाते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम। दूसरी बार या उससे आगे तो मिनिमम जेल होगी 7 साल से 10 साल, और 1,00,000 का फाइन भी लगेगा।
पहले वाले में था 3 से 7 और अगर दूसरी और उससे ज्यादा तो हो गया 7 से 10 और साथ में 1,00,000 रुपए फाइन भी। अब मैं बात करता हूं स्टॉकिंग की। अब लड़की का पीछा करते हैं, उस पर नजर रखते हैं लगातार, उसको उससे अनकंफर्ट होता है, तो स्टॉकिंग की जो पनिशमेंट है उसमें जेल है 3 साल की पहली बार। अगर आप मान लीजिए बार बार ये ऑफेंस करते हैं तो फिर मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल और 1,00,000 रुपए का फाइन। और बहुत सारे सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं हैं जिनमें परिवर्तन किए गए हैं। अब ये इन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा है, प्रेसिडेंट के साइन जरूरी है इसके ऊपर, उसकी एसेंट होगी तभी ये एक्ट बनेगा। चलिए, मध्य प्रदेश के जो स्कूल और कॉलेज हैं वहां पे लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी मार्शल आर्ट्स की। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर लड़कियां, अगर उन्हें मार्शल आर्ट्स आती है तो फिर वो अपना अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं, अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो है किसी जमाने में उसे टाइगर स्टेट बोलते थे और आज की तारीख में टाइगर स्टेट जो स्टेटस है उसका वो चला गया है एक तरह से। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ होते हैं? कर्नाटक में होते हैं, ठीक है, कर्नाटक में होते हैं टाइगर भी और एलिफेंट भी, ठीक है। चलिए पहले टाइगर की बात करता हूँ। टाइगर सबसे ज्यादा है कर्नाटक में, ये इसी साल का लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ, 2017 का जो टाइगर सेंसस हुआ था भारत में। टाइगर नंबर 1 है, दूसरे पे है उत्तराखंड, ठीक है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। अब मैं बात करता हूँ एलिफेंट की, तो एलिफेंट में पहले नंबर पे कर्नाटक है, यानी कर्नाटक दोनों में नंबर 1 है, एलिफेंट में भी और टाइगर में भी। कर्नाटक के बाद है असम दूसरे नंबर पे एलिफेंट्स में, और तीसरे नंबर पे है केरला। तो हम यहाँ पे टाइगर की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जो है, किसी जमाने में मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज्यादा होते थे, परंतु मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स हैं बहुत तेजी से मर रहे हैं। 25 टाइगर मर चुके हैं 2017 में अब तक, तो ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इनमें से जो 15 टाइगर हैं वो मरे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, बांधवगढ़ के अंदर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के इन या अराउंड। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश में टाइगर है वो कम हो रहे हैं, तो टाइगर जो स्टेटस है इसका वो एक तरह से जा रहा है। ये कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि टाइगर स्टेट था, लेकिन कहते थे इसे। और ये इन्होंने बस एक्सप्लेन किया है कि टाइगर कैसे कैसे कहाँ कहाँ मर रहे हैं, उतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। 2006 तक, हाँ कि मैं आपको बताऊं अगर, तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर थे। मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा टाइगर थे, लेकिन अब कर्नाटक और उत्तराखंड मध्य प्रदेश से आगे निकल गए हैं। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे है। अब जब टाइगर का सेंसस होगा, जो जिसे बोलते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंसस 2018 में, तो मध्य प्रदेश कोशिश करेगा कि दोबारा से वो उसी पोजीशन पे जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को ये कहा है कि वो पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को प्रमोट करें। जिस तरह से तुम स्वच्छ भारत को प्रमोट कर रहे हो, उसी तरह से तुम बच्चों के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न कानून रोकता है उसको भी, उसके बारे में भी जागरूकता फैलाओ। मध्य प्रदेश के जिस जज ने ये कहा है उसका नाम है सुबोध अभ्यंकर, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर। और याद रखिए, मध्य प्रदेश में जो यौन उत्पीड़न के जो केसेस हैं बच्चों के खिलाफ वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कितना टाइम दिया है सरकार को? 6 हफ्ते, 6 हफ्ते का टाइम दिया है सेंटर और स्टेट को, दोनों को, कि वो कोर्ट को ये बताएं लिखित में कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, खासकर ट्राइबल एरियाज के अंदर, और पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या कदम उठाए हैं वो सारे बताने हैं 6 हफ्ते के अंदर अंदर। आपको मैंने एक चीज बताई थी मध्य प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे इस बार मानसून बहुत कम हुआ है, अकाल पीड़ित मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं पिछले साल कहां पे होगा, तो आंसर है मध्य प्रदेश। हरियाणा और पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया। पूरे भारत में जितना भी गेहूं होगा 18% मध्य प्रदेश में होगा था। और मध्य प्रदेश आप जानते हैं उसे कृषि कर्मण अवार्ड वगैरह मिलते ही रहते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है इसका टारगेट है कि वो 25% वीट भारत का, यानी जितना भी गेहूं भारत में होता है उसका 1/4 मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो इनका टारगेट है 25%, लेकिन वो अचीव होता अब नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत कम मानसून हुआ इस साल। तो मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, इन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में जो जितने भी बांध हैं उनमें पानी कम है इस वक्त मानसून की वजह से, और इसीलिए जो गेहूं जितने एरिया में मध्य प्रदेश में उगता है वो भी कम होगा। उन्होंने कहा 64 लाख हेक्टेयर पे मध्य प्रदेश में गेहूं उगाया गया था पिछले साल, लेकिन इस बार सिर्फ 52 लाख हेक्टेयर में उगाया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो है ग्वालियर और चंबल डिवीजन, जहां पे बहुत ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो पावर सप्लाई हुई है उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पावर सप्लाई जो मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उन्होंने जो बिजली वितरण करा है वो है 12,000 मेगावाट,
12,018 मेगावाट पावर सप्लाई हुई है और ये पीक डिमांड थी ये, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये हाईएस्ट एवर पावर सप्लाई है मध्य प्रदेश के इतिहास में। इससे पहले जो हाईएस्ट पीक डिमांड थी वो 11 नवंबर को रिकॉर्ड हुई थी 11,468 मेगावाट। पिछले 14 साल में जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर है वो 2.5 गुना बढ़ गई है मध्य प्रदेश के अंदर। और 2003-04 में आज से लगभग 14 साल पहले ये 5,000 मेगावाट से भी कम थी, और अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें 12,000 मेगावाट से ज़्यादा है, यानी 2.5 गुना का इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। और 12,018 मेगावाट ये इस फाइनेंशियल ईयर में मध्य प्रदेश में रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, उदय स्कीम सरकार ने चला रखी है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसमें अगर कोई बिजली वितरण कंपनियां, इनको हम बोलते हैं डिस्कॉम्स, जो बिजली वितरण की कंपनियां इन्हें डिस्कॉम बोला जाता है, तो अगर उन पर कोई कर्ज है तो वो 75% बॉन्ड इशू करके चुका सकती हैं और 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके चुका सकती हैं। इसका नाम है उदय योजना। मध्य प्रदेश के जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं अर्चना चिटनिस, इन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं अब उन्हें हथियार दिए जाएंगे, उन्हें हथियार दिए जाएंगे, हथियारों के लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे वो हथियार अपने पास रख सकें, जिससे वो अपना आत्मरक्षण कर सकें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार वेपन लाइसेंस तो देगी ही और 10,000 लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस भी देगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद ये लड़कियां जो ऑड आवर्स हैं उनमें भी ये ड्राइव कर पाएंगी, और अगर ऐसे में उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उन्हें वेपन लाइसेंस भी प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक यात्रा शुरू करी है जिसका नाम है सोशल हार्मनी यात्रा, यानी सामाजिक सद्भावना यात्रा। 19 दिसंबर को हरी झंडी दिखाई इसको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई, और इसका नाम है एकात्मा यात्रा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका आयोजन कर रहा है। इस यात्रा में क्या है, ये यात्रा खत्म कहां पे होगी, 22 जनवरी 2018 को ये यात्रा खत्म होगी ओमकारेश्वर में, और इस यात्रा में जितनी भी ग्राम पंचायत और वार्ड आएंगे उनकी मिट्टी इकट्ठी की जाएगी और धातुओं के बर्तनों में भरी जाएगी। उसके बाद ये जो मिट्टी है इससे क्या होगा, इससे 108 फुट लंबा स्टैचू बनेगा श्री आदि शंकराचार्य जी का ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे पर। तो इसका नाम है एकात्मा यात्रा। और यहीं पे क्यों बनेगा ओमकारेश्वर पे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे आदि शंकराचार्य जी ने अपनी दीक्षा ली थी, और ये आप जानते हैं ये अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी के फाउंडर थे, जनक थे। अब टोटल कितनी यात्रा होंगी, 4 यात्रा होंगी। एक होगी उज्जैन, ओमकारेश्वर, पंच माता जो रेवा में है, और अमरकंटक, और फाइनली ओमकारेश्वर में 22 जनवरी को खत्म हो जाएगी। और जब ये यात्रा चलेगी तो उसके साथ साथ जन संवाद प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 30 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बांटे गए, और ये बेसिकली योजना ये है कि जो चूल्हा और कोयला वगैरह यूज करते हैं खाना पकाने के लिए तो उसे प्रदूषण होता है और उससे रेस्पिरेटरी डिजीज यानी फेफड़ों के रोग भी हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने शुरू की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। उसके अंदर एलपीजी कनेक्शन 30 लाख बांटे गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और टोटल कितने देगी सरकार, 72,38,000, इसमें से ऑलरेडी 30 लाख दे दिए हैं तो बचे हुए भी बहुत जल्दी दे देगी। सबसे ज्यादा जो एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं वो बांटे गए हैं 1,23,470 सागर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरे नंबर पे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में 21,562। टोटल टारगेट है 72,38,000, बांटे गए हैं 30 लाख। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि वो खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश के हैं और अगर वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कोई भी, तो उन्हें सरकारी जॉब दिए जाएंगे। उनका यह कहना है कि इससे खिलाड़ियों में उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए वो मोटिवेट होंगे। और मध्य प्रदेश की जो शूटिंग अकेडमी है वहां पे 10 मीटर और 25 मीटर की शूटिंग रेंज भी नई बनाई गई है। इस मौके पर अभिनव बिंद्रा भी मौजूद थे। अभिनव बिंद्रा जो है इन्होंने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे चाइना में उसमें गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने यह भी कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार जो यंग स्पोर्ट्समैन है उन्हें एक अवार्ड देती है जिसका नाम है एकलव्य अवार्ड, तो जो एकलव्य अवार्ड जीत चुके विजेता है उन्हें भी सरकार गवर्नमेंट जॉब देगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने सम्मानित किस किस को किया, तो सबसे पहले किया दीपा मलिक को,
जो पैरा ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं दीपा मलिक, इन्हें 40 लाख रुपए का अवार्ड दिया। देवेंद्र झाझरिया ये जेवलिन थ्रोअर है, इन्हें 50 लाख का दिया। मारियप्पन थंगावल्लू इन्हें 50 लाख का, और वरुण सिंह भाटी इन्हें 25 लाख रुपए का अवार्ड दिया। इसके अलावा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर साक्षी मलिक इन्हें भी 25 लाख का कैश अवार्ड दिया गया। कुछ और अवार्ड दिए गए, भारतीय जो वुमेन्स हॉकी टीम है, अनुराधा देवी, पी सुशीला चानू, रेणुका यादव, एल फैली, ये सब मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन्स हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी हैं, इन्हें कैश अवार्ड दिया 5 लाख रुपए का। मध्य प्रदेश जो है, पहले ये बात हो रही थी, देखिए मध्य प्रदेश में एक सेंचुरी है जिसको बोलते हैं कूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो पलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभ्यारण्य है यहाँ पे, और इसमें गुजरात का जो गिर है, गिर से शेर लाने की बात हुई थी कि भाई गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में, जो भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे शेर रखे जाते हैं, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन गुजरात ने कर दिया मना। गुजरात के मना करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले गई, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गई, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात को कहा कि हाँ आप एक इनको लायन दे दो, लेकिन लायन फिर इन्होंने देने से मना कर दिया है, अभी इस पर विवाद चल रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब लायन तो नहीं ले पाई, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हम टाइगर यहां पर लेकर आएंगे, और एक मेल टाइगर ऑलरेडी इन्होंने पलपुर कुनो में छोड़ दिया है, और अब एक टाइगरेस को भी रिलीज करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा और पार्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, बहुत ही बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है, याद रखिए। इससे फायदा ये होगा कि लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसपे सिंचाई हो पाएगी। नर्मदा और पार्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, इस पे खर्चा आएगा 7,546 करोड़ रुपए। और जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, मालवा जो रीजन है उसमें 2 लाख हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई संभव हो पाएगी ऐसा करने से। इस प्रोजेक्ट को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा, और हर चरण 50,000 हेक्टेयर जमीन को सींचने की कैपेसिटी बढ़ाएगा, यानी टोटल इंटू 4 तो हो गया 2 लाख। इससे 369 विलेजेस को फायदा होगा, सहोर और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के, मैं रिपीट करता हूं, सहोर और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के 369 गांव को इससे फायदा होगा। अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 10 लाख एकड़ फीट वाटर, 10 लाख एकड़ फीट वाटर इसको लिया जाएगा इंदिरा सागर सेतु से, इंदिरा सागर रिजर्वर से, और ये जो पानी है ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई होगा। और ये नर्मदा शिप्रा नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इससे जो उज्जैन और देवस डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों की जो पानी की कमी है वो ऑलरेडी पूरी हो गई है, उसी के तर्ज पे इस प्रोजेक्ट को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा एक 92 नर्मदा यात्री निवास बनेंगे, नर्मदा यात्री निवास मतलब होता है पैसेंजर लॉज, जो 1100 किलोमीटर लंबा नर्मदा परिक्रमा यात्रा होती है जो 16 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए 92 नर्मदा यात्री निवास मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, इनमें खर्चा होगा 41 करोड़ 41 लाख रुपए। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उस पर एक बार और नजर डाल लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 2016 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला बता रहा हूं जो रिलीज हुआ है 2017 में, पूरे भारत में रेप केसेस हुए हैं 38,947, मध्य प्रदेश में हुए सबसे ज्यादा 4,882, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगर हम नंबर की बात करें सिर्फ, तो अगर हम बात करें माइनर रेप्स की, माइनर रेप यानी जो रेप ऑफ माइनर्स होते हैं, यानी जो जो कम उम्र के बच्चे या बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश नंबर वन रहा। मध्य प्रदेश में 2,479 हुए, दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। हालांकि जो टोटल नंबर क्रिमिनल कंप्लेन है वो मध्य प्रदेश में कम हुई है, 2014 में थी लगभग 2.72 लाख और 2016 में 2.64 लाख। जो केंद्र सरकार है उसने डिसाइड करा है, आपको ये पता होगा कि केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ रही है मध्य प्रदेश की सरकार, तो अब ये दो चरणों में होना था, फेज वन और फेज टू, लेकिन अब एक ही चरण में केन बेतवा को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये अनाउंस करा है केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार को यह हिदायत दी है कि आप केन बेतवा को दो चरणों की बजाय एक ही चरण में पूरा का पूरा इसे करो। केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में एक छोटी सी आपस में टनाटनी हो गई थी किसी बात पे, और वो ये कि मध्य प्रदेश की सरकार ये चाह रही थी कि इसे दो चरणों में पूरा करें, ठीक है, क्योंकि पहले चरण में 3 और छोटे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें पूरा करना है, जिनके बिना फेज टू पॉसिबल नहीं था। ये 3 प्रोजेक्ट हैं, एक है लोअर ओल्ड डैम, दूसरा बीना कॉम्प्लेक्स और तीसरा कोठा बराज प्रोजेक्ट। लोअर ओल्ड डैम, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बराज प्रोजेक्ट, इन्हें पहले चरण में ही पूरा करना पड़ेगा, वरना दूसरा चरण शुरू नहीं कर सकते। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने चेतावनी दी थी सरकार को, और 18,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है ये केन और बेतवा को जोड़ेगा।
केन नदी बहती है मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इस प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है? 90% खर्चा कर रही है केंद्र सरकार, 10% कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने नागालैंड और मणिपुर के साथ पार्टनरशिप करी है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के लिए। अब ये क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना ये है कि जो राज्य हैं उन्हें आपस में सांस्कृतिक जो रिलेशंस हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उन्हें मजबूत कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड ये करा है कि मणिपुर और नागालैंड के साथ वो अपने रिश्ते अच्छा करेगी। ये दोनों हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। कैसे करेगी? तो मध्य प्रदेश में संगई महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो मणिपुर का त्यौहार है, उसी तरह से नागालैंड और मणिपुर मध्य प्रदेश के त्यौहार आयोजित करेंगे। एक लोक रंग और एक बाल रंग प्रोग्राम मध्य प्रदेश के, तो यानी संस्कृति का आपस में एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, कल्चरल प्रोग्राम होंगे। नागालैंड की जो किताबें हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर मध्य प्रदेश में पढ़ाई जाएंगी, मध्य प्रदेश में नागालैंड की किताबें पढ़ाई जाएंगी इत्यादि। अब ये जो योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, तो एकता दिवस बोलते हैं उसे, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट की थी। तो दोनों राज्यों के नाम याद रखिए, एक है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर। अब इंटीग्रेटेड पुअर वेलफेयर स्कीम पोर्टल बनेगा मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए। इससे कौशल विकास होगा, यूथ एम्पावरमेंट मिशन वो स्किल अपग्रेडेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगा, और मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार और राज्य बीमारी सहायता निधि योजना ये ऑनलाइन कर दी जाएगी। अगर आपको अप्रूव करवाना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार के तहत या राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत अपनी फाइल आपको अप्रूव करानी है तो ऑनलाइन आप करवा सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे सीरियस डिजीज के लिए डायग्नोसिस कैंप भी लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो शराब की दुकानें हैं उनमें जो ओपन ड्रिंकिंग एरिया होते हैं जिन्हें बोलते हैं आहटा, ये भी अगले साल से बंद कर दिए जाएंगे मध्य प्रदेश में 2018 से। और मध्य प्रदेश जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसे बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, उसके तहत घर दिए जाएंगे अगले 3 साल के अंदर अंदर सहारिया, भरिया और बैगा परिवारों को। जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने झलकारी बाई, ये रानी लक्ष्मीबाई की असिस्टेंट थी, इनका स्टैचू, उसका उद्घाटन करा। ये बना है गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स भोपाल में। जो झलकारी बाई जी थी ये एक बहुत गरीब कोरी परिवार में पैदा हुई थी, फिर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी की सेना को ज्वाइन किया एक सोल्जर की तरह, और ये रानी लक्ष्मीबाई जी की फिर स्पेशल एडवाइजर यानी एक सलाहकार बन गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में जो आए उन्होंने सदगुरु कबीर महोत्सव का भी वहां पे स्पीच दी अपनी, और ये सदगुरु कबीर महोत्सव हुआ 10 नवंबर 2017 को भोपाल के अंदर। श्री रामनाथ कोविंद हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, इससे पहले बिहार के गवर्नर थे जब ये राष्ट्रपति बनने से पहले। और मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां पे सम्मानित किया श्री रेव प्रसाद द्विवेदी को, वाराणसी से हैं, श्री के शिवारेड्डी को हैदराबाद, प्रतिभा सतपति भुवनेश्वर, और इन 3 व्यक्तियों को मिला है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो याद रखिए इन 3 को मिला है राष्ट्रीय कबीर सम्मान, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी शुरू कराई है। इनमें इन्हें 3 लाख रुपए भी मिले हैं और साथ में सम्मान पत्र मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कबीर नाम की एक किताब, उसकी पहली प्रति, पहली फर्स्ट कॉपी भी राष्ट्रपति को भेंट की गई, और रानी झलकारबाई जी का स्टैचू उन्होंने इनॉग्रेट करा, और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में जो है उसका 2nd convocation वो भी राष्ट्रपति ने अटेंड किया। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, अमरकंटक वही स्थान है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, ये इसे तीर्थराज बोलते हैं अमरकंटक को। तो इसका 2nd convocation था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की एक खिलाड़ी है रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने इतिहास बनाया गोल्ड मेडल जीतकर, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था ये, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, 10 मीटर एयर पिस्टल कॉम्पिटिशन में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। भारत पहले स्थान पे आया, भारत के पॉइंट्स थे 1070, इनमें से 355 पॉइंट रूबीना के थे। ये टीम इवेंट था तो 3 खिलाड़ी थी इसमें, रूबीना थी, पूजा अग्रवाल थी और सोनिया शर्मा थी, और इन तीनों में 355 पॉइंट थे रूबीना के, और 2nd नंबर पे इसमें आया थाईलैंड 1048 पॉइंट्स के साथ। रूबीना जो है ये जबलपुर की है वैसे, और ये दिव्यांग एथलीट है, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट है, और बस आप इतना याद रखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, रूबीना को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सिलेक्ट किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें जो बेस्ट खिलाड़ी हैं
उन्हें 50,000 रुपए हर मंथ दिए जाते हैं, हर मंथ, जिससे वो ओलंपिक्स में पदक लाने में अपने जो एम है उसको अचीव कर सके। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि आप मध्य प्रदेश में अगर किसी भी दिव्यांग से शादी करते हो, कोई भी डिसेबल्ड है, किसी के हाथ पैर नहीं है, या कोई भी लूला लंगड़ा है, मान लीजिए कोई भी डिसेबल्ड या किसी तरह का डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग व्यक्ति है, तो आपको 2,00,000 रुपए गिफ्ट मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो समाज में हमारे जो एक टैबू माना जाता है, इस चीज को एक बुरी बात मानी जाती है किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति से शादी करना, अब नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार 2,00,000 रुपए इनाम देगी उसको जो किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति से शादी करता है, लेकिन उसकी एकमात्र और पहली शादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी शादी वो कर रहा है पैसे के लालच में, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनमें परमानेंट डिसेबिलिटी है और जो 18 से 45 साल के बीच में है। विडो रीमैरिज स्कीम भी चलाई हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट मैरिज होनी चाहिए, बस इतना याद रखिए, फर्स्ट मैरिज ऑफ हुएवर इंटेंड्स टू मैरी अ डिसेबल्ड पर्सन। वेडिंग के बाद उन्हें वेडिंग को रजिस्टर कराना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में, और मैरिज प्रूफ ग्राम पंचायत से लेना होगा और लोकल बॉडी से लेना होगा, और उसके बाद फिर इन्हें 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर ग्राम पंचायत या लोकल बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया मैरिज का प्रूफ, तो फिर नहीं दिए जाएंगे। और जिससे शादी कर रहे हैं, जो शादी कर रहा है उसकी उम्र 18 से 45 होनी चाहिए, और जिससे शादी कर रहे हैं उसकी उम्र भी 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का, 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री, ये हनुवंतिया में हुआ। हनुवंतिया जो है ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, 8 से 10 नवंबर को ये आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, उसके जो चेयरमैन है शौकत मोहम्मद खान, उन्होंने एक पहली बार एक जो थर्ड जेंडर, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर, उसे मध्य प्रदेश में एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने के लिए हायर किया है, अपॉइंट किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर को अब एक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और ट्रांसजेंडर का नाम है जावेद खान, इनका एक दूसरा नाम भी है सरिता किन्नर। तो इन्हें ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है लदहेड़ी ग्वालियर में, उसका संचालन करेंगे, उसको देखेंगे, उसका रखरखाव करेंगे। इस कमेटी में जो लोग हैं वो है रानी किन्नर, सितारा किन्नर, रमेश किन्नर और सोनम किन्नर। ये कमेटी 3 साल के लिए बनाई गई है। गायत्री परिवार, अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार हरिद्वार, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा एक बुक फेयर और कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में। तो अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार ने एक बुक मेला और एक कॉन्फ्रेंस किया। इसका जो कॉन्फ्रेंस का नाम था वो था थॉट रेवोल्यूशन कॉन्फ्रेंस, यानी हम अपने विचारों पे कैसे काबू पा सकते हैं, विचारों का जो रेवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। और ये विजय राजा सिंधिया कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, चेंबर ऑफ कॉमर्स ये ग्वालियर के अंदर हुआ। इसमें 3200 किताबें उनका प्रदर्शन किया गया जो आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखी, जो गायत्री परिवार के फाउंडर थे। और यहाँ पे इसका उद्घाटन करा ईश्वर चरण पांडे ने, इसका उद्घाटन करा। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, देखिए एक मछली होती है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के अंदर, जिसको बोलते हैं महासीर मछली। अब ये महासीर मछली बिल्कुल लुप्त होने वाली है, बिल्कुल लुप्त प्राय है, इसका नंबर कम होता जा रहा है बिल्कुल बुरी तरह से। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जो मछुआरे हैं वो जरूरत से ज्यादा अत्यधिक इसको पकड़ लेते हैं, और उसका नंबर फिर रिवर के अंदर कम हो जाता है, और भी कम ही होता जा रहा है। इनफैक्ट ये अति लुप्त प्राय हो चुकी है इसी वजह से। और इस मछली का एक नाम भी है, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर की टाइगर, टाइगर ऑफ फ्रेश वाटर इसे कहा जाता है पॉपुलरली मध्य प्रदेश के अंदर। अब इसमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मध्य प्रदेश की सरकार करवा रही है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की वजह से इसका नंबर बढ़ सकता है ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ही तरीका है इस मछली को बचाने का। अभी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती क्या है? देखिए इसमें एक लैबोरेटरी वगैरह के अंदर क्या किया जाता है, मछलियों का आपस में प्रजनन करवाया जाता है जिससे उनका नंबर बढ़े, और फिर बाद में जब मछलियां बन जाती हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं, उनके फिर जो अंडे वगैरह हैं उन्हें नदी में दोबारा डाल दिया जाता है। सो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है, और ये जो महासीर मछली है इसे तोड़ तोड़ भी बोलते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है उसे तोड़ तोड़ भी बोलती है। याद रखिए 20% अंडे महासीर मछली के उन्हें फर्टिलाइज किया जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, और इसमें मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वो अहम भूमिका निभा रहा है। लगभग 150 बेबी फिश हैं महासीर की, जिनका ब्रीडिंग किया जाएगा और फिर उनका नंबर नदी में डाल दिया जाएगा, जिससे नदी में उनका नंबर बढ़े।
मध्य प्रदेश में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, वहां पे कानूनी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लीगल सर्विस डे 9 नवंबर जिसको हम लीगल सर्विस डे मनाते हैं उस दिन किया गया। इस रैली का नाम था कनेक्टिंग टू सर्व और ये 10 दिन तक ये चलेगी, याद रखिए। ये जो रैली है ग्वालियर में हुई, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ग्वालियर का वहां से स्टार्ट हुई 9 नवंबर को, और 18 तारीख को कैंप लगेगा जिसमें जो सेंट्रल जेल है उसके जो कैदी हैं उन्हें कई तरह की सहायता दी जाएगी। मध्य प्रदेश के जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनको उनका पहला स्थान आया, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अंडर 17 कैटेगरी की सब जूनियर जो कैटेगरी है, ऑल इंडिया हॉकी कंपटीशन हुआ था पुणे में 1-7 अक्टूबर को, उसमें मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी 2 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। 35th सब जूनियर नेहरू हॉकी चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई थी 9-12 अक्टूबर, उसमें भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो रहे वो अव्वल रहे। मध्य प्रदेश ने 35वां सब जूनियर नेहरू हॉकी चैंपियनशिप जीता, इसमें उन्होंने हराया किसको, गुरु गोविंद हॉस्टल लखनऊ को 5-1 से हराया। मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी जो है ये इसने काफी बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को दिए हैं, और मध्य प्रदेश ये जो कॉम्पिटिशन है नेहरू कप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेहरू हॉकी चैंपियनशिप, इसमें 12 टीम्स ने हिस्सा लिया था। सरकार जो है वो जो गरीब लोग हैं मध्य प्रदेश में जिनके पास जमीन नहीं है लैंडलेस, उन्हें रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोवाइड करेगी, ये अनाउंस हुआ है। ये इसी को पट्टा बोलते हैं, पट्टा जो लैंड राइट दिए जाते हैं, जमीन अधिकार, ये 3 बैकवर्ड ट्राइब को मिलेंगे, सहारिया, भारिया और बैगा, तीनों के नाम याद रखिए, सहारिया, भारिया और बैगा जनजातियों को मिलेंगे पट्टा जमीन के अधिकार, ये अनाउंस करा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं ओम प्रकाश धुर्वे, इन्होंने अनाउंस करा है कि मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक रेशन शॉप होना चाहिए, एक रेशन शॉप मध्य प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए। ये जो राशन शॉप है इनमें मध्य प्रदेश की सरकार अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट सेलर अपॉइंट करेगी, जिससे वो बहुत ही जल्दी वहां पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके रेशन का। और टारगेट ये है सरकार का कि किसी भी महीने की 21 तारीख तक ये हो जाना चाहिए, यानी जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पे वो 1-21 तारीख के बीच में ही खत्म हो जाना चाहिए हर महीने। MSME जो इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो अति लघु छोटे उद्योग हैं, उन्हें 40% अनुदान मिलेगा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, ये ग्रांट मिलेगा 40% 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे। अगर आप कोई छोटी इंडस्ट्री लगाते हो, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज लगाते हो, तो आपको 40% ग्रांट मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे, अगर आप प्लांट या मशीनरी में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो तो। जो छोटे उद्योग हैं, जो MSME यूनिट हैं, उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे 5 साल तक के लिए, 5 लाख रुपए 5 साल तक के लिए मिलेंगे, प्रोवाइडेड उनकी कंपनी में कम से कम 10 रेगुलर एम्प्लॉइज होने चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है उसने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बासमती राइस के लिए उसे भेजा है कंसिडरेशन के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग बहुत सारे मिले हैं इस साल, आपको याद होगा, जैसे गोविंदो भोग चावल है, तुलापंजी चावल है, बंगाल के कई चावल हैं, रसगोला जो है बंगाल का, चाकसोंग सॉल है, एटिकोपक्का खिलौने हैं, इस तरह से 7 चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो बासमती चावल है मध्य प्रदेश का उसे भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले, तो ये उन्होंने भेज दिया है आगे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड है हमारा उसे भेज दिया है, और अब देखना होगा कि उसे ये मिलता है या नहीं। मध्य प्रदेश ने ये क्लेम करा है कि मध्य प्रदेश के 51 डिस्ट्रिक्ट में से 13 डिस्ट्रिक्ट में बासमती चावल उगाया जाता है और उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिलना चाहिए उसकी पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस गुड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे हम बोलते हैं एपेडा, उसने ये कहा है कि ये बासमती चावल भारत में 81 डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब में उगाया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने फिर IPAB को, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड है, उसे कहा कि मध्य प्रदेश का ये जो क्लेम है उसे ठुकरा देना चाहिए, और IPAB ने एग्जैक्टली वही किया। अब मध्य प्रदेश ने फिर मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दिया है जो IPAB का ऑर्डर आया है एपीडा के क्लेम के बाद, और अब मध्य प्रदेश ऐसी उम्मीद करता है कि इन्हें ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में एक स्कीम है, कॉलेज हॉस्टल स्कीम। मध्य प्रदेश में 84 बॉयज हॉस्टल हैं और 68 गर्ल्स हॉस्टल हैं ट्राइबल्स के बच्चों के लिए, इनमें जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं वो रह सकते हैं। टोटल 152 पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स हैं, इन सब का अब अपग्रेडेशन किया जाएगा, इनका नवीनीकरण किया जाएगा, इनका आधुनिकरण किया जाएगा,
और इसके विस्तार के लिए मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने साइन कर दिया है, जो अप्रूवल है वो साइन कर दिया है। ये स्कीम का नाम है कॉलेज हॉस्टल स्कीम ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। अगले 3 साल तक के लिए विस्तार किया जाएगा। ऑलरेडी 7600 बच्चे इनमें रह रहे हैं, अब 62 बिल्डिंग और बनेंगी अगले 3 साल में, जिनमें 32 हॉस्टल होंगे विदाउट बिल्डिंग और 30 नए हॉस्टल होंगे। तो इसमें टोटल खर्चा होगा 203 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने इसके अलावा जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के, उनके लिए भी छात्रवृत्ति स्कीम यानी कि जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि 290 करोड़ रुपए और खर्चा किया जाएगा 2017-18 से लेकर 2019-20 तक। स्कीम में 290 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे, इससे फायदा होगा लगभग 13.5 लाख 13.56 लाख जो बच्चे हैं 9th और 10th के, इन्हें फायदा होगा। ये भी अगेन ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हीं के लिए है ये। तो उसमें टोटल खर्चा करेगी सरकार 290 करोड़ रुपए। अभी थोड़ा सा ब्रेकअप भी इन्होंने बताया है, घर भी बना के देगी। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और ऑफिसर हैं उनके लिए रेजिडेंशियल हाउसेज भी मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगी, ये भी अप्रूव कर दिया है। कैसे कैसे बनाएगी? 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी 2017-18 में, 37.4 करोड़ खर्च करेगी 2018-19 में और 24.80 करोड़ खर्च करेगी 2019-20 में। तो 3 चीज़ों का अप्रूवल मिला है, एक जो ऑलरेडी हॉस्टल बने हुए हैं बच्चों के लिए, 10वीं के बाद यानी पोस्ट मैट्रिक जो हॉस्टल हैं उनका विस्तार किया जाएगा 84 और 68, टोटल 152 जो हॉस्टल हैं। इसके अलावा 62 हॉस्टल और बनेंगे जिनमें 32 हॉस्टल बिना बिल्डिंग के होंगे और 30 नए हॉस्टल होंगे और इस पर खर्चा होगा 203 करोड़ रुपए। दूसरा अप्रूवल ये मिला है कि 290 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो छात्रवृत्ति की स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, अगेन ट्राइबल कम्युनिटी के, और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जिनके लिए घर बना के देगी सरकार उसमें खर्चा करेगी 38 करोड़ 2017 में 18 में और 2017-18 मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 37.4 करोड़ खर्च करेगी 2018-19 यानी वित्तीय वर्ष 2019 और 24.80 करोड़ खर्च करेगी 2019-20 में। जो नगर परिषद है ओमकारेश्वर की, उसने एक पिलग्रिम टैक्स लगाया था, अब मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे खत्म कर दिया है, इसे स्क्रैप कर दिया है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने ये कहा है आप यात्रियों से जो श्रद्धालु हैं उनसे टैक्स मत वसूलिए, जो भी आपका नुकसान होगा वो हम भरेंगे, यानी जो कैबिनेट है वो कंपनसेट करेगी। और मध्य प्रदेश स्वतंत्र संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम 1986 में संशोधन करके केंद्र सरकार ने ये अधिकार दिया है कि वो 50,000 रुपये तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो अप्रूव कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट, ये अधिकार अब उसका है, कलेक्टर का है। इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो भी अप्रूवल है वो मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सीरियस इलनेसेस के लिए है, ये सीरियस इलनेसेस के लिए है ये। और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम के तहत 50,000 रुपये तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उससे ज़्यादा तो फिर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उसे अप्रूव कर सकता है। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे पद्मावती का जो चैप्टर है वो स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा, रानी पद्मावती जो हैं उनके बारे में वहाँ के स्कूलों में अब पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार और एक सेंट्रल एजेंसी है हाइट, उन्होंने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करा है। ये जन आरोग्य हॉस्पिटल जो है उसमें सैनिटेशन और सिक्योरिटी दोनों के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। 1 दिसंबर से जो इस हॉस्पिटल में जितनी भी सिक्योरिटी है और हाइजीन है, साफ सफाई वगैरह, वो हाइट नाम की सेंट्रल एजेंसी ये रेस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा कमला राजा जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर एक काउंटर बनेगा जहां से पेशेंट जल्दी से अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी करा पाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने 15,556 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट रखा, इसका प्रपोजल रखा वहां की विधानसभा के अंदर, सप्लीमेंट्री बजट। इससे जो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट स्कीम है और जो भावांतर भुगतान योजना, इन सब पे एक एडिशनल बर्डन सरकार के ऊपर पड़ा है लगभग 9,262 करोड़ रुपए का, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ढोने के लिए 15,556 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री बजट असेंबली के अंदर उन्होंने टेबल किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार
दो डिपार्टमेंट्स पे खर्च करना चाहती है मेन, एक है फार्मर वेलफेयर जिसमें खर्च होगा 4000 करोड़, और दूसरा पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें खर्च होगा 5163 करोड़ रुपए। सरकार 1300 करोड़ रुपए रखेगी ड्रॉट और कैलामिटी हिट रीजन से निपटने के लिए, यानी जो अकाल वगैरह है उससे निपटने के लिए। 161 करोड़ रुपए खर्च करेगी पुलिस पे, 101 करोड़ खर्च करेगी कॉमर्स के ऊपर, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए। 1049 करोड़ खर्चा करेगी शहरी विकासकरण पे, यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। 132 करोड़ खर्च करेगी रूरल डेवलपमेंट पे, और 100 करोड़ खर्च करेगी ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर। जो हॉर्टिकल्चर है यानी फल और सब्जियां उगाने वगैरह उगाने के, जो उसको प्रमोट करने के लिए 160 करोड़ रुपए किसानों को देगी उनकी हेल्प के लिए, और 54 करोड़ रुपीज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करेगी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कल्चर, स्कूल एजुकेशन, फूड एंड सिविक। मध्य प्रदेश जो है 2016 में सबसे ज्यादा जो एबडक्शन होते हैं, बच्चों का जो अपहरण होता है मध्य प्रदेश में होता है, एक दिन में 17 बच्चों का अपहरण हो जाता है। ये मध्य प्रदेश की एवरेज है, मध्य प्रदेश में हर रोज 17 बच्चों का अपहरण हो जाता है, ये डेटा दिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। जो ओवरऑल क्राइम है बच्चों के, वो लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 3 साल में 13.6% का इंक्रीज हुआ है ये पिछले 3 सालों के अंदर। मध्य प्रदेश में जो बबच्चे हैं वो हैं लगभग 3 करोड़, और टोटल जो बच्चों के खिलाफ क्राइम होते हैं उनमें मध्य प्रदेश के, पूरे भारत में जितने भी क्राइम होते हैं मध्य प्रदेश में होते हैं 12.9% उनमें से। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है उसमें जो गार्बेज है, जो रोजमर्रा का कचरा है, वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसके लिए ग्वालियर में एक 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लांट लगाया जाएगा, 600 टन ऑफ गार्बेज यानी वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ये लगेगा ग्वालियर के अंदर। इसमें 600 टन गार्बेज से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ग्वालियर में कचरे को इकट्ठा करने के लिए 3 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे, एक दबरा में, एक दतिया में और एक जावरा में। और कंपनी जो जो इस प्रोजेक्ट को लगाएगी उस कंपनी का नाम है इको ग्रीन एनर्जी कंपनी। मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट स्टाफ है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए हैप्पीनेस ट्रिप होगी, आनंद शिविर। फर्स्ट बैच जो होगा वो आनंद शिविर में जाएगा, आनंद शिविर कोर्सेज होंगे कोयम्बटूर और बेंगलुरु में, ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप होंगे सरकार की तरफ से, जिससे जो मध्य प्रदेश, आपको पता होगा मध्य प्रदेश जो है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट उन्होंने शुरू करा था, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। ये पहला राज्य बना मध्य प्रदेश जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था, और हैप्पी अब जो इनके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट स्टाफ हैं, उनको यात्राएं दी जाएंगी ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप, पूरा खर्चा सरकार करेगी जिससे वो खुश रहें। तो पहली जो यात्रा होगी वो कोयम्बटूर और बेंगलुरु में जाएगी, आनंद शिविर कोर्सेज होंगे। इस पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 20,000 रुपये पर पर्सन, और मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने 4.5 करोड़ रुपये का बजट था उनका साल का, जिसमें वो 100 एम्प्लॉयज हर मंथ भेजते हैं इन शिविर के अंदर, 20 लाख रुपये खर्चा आता है पर बैच। अगर आप भी मध्य प्रदेश की सरकार के कर्मचारी हैं और आप आनंद शिविर यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और आनंद शिविर अटेंड कर सकते हैं। बस आपको अपने डिपार्टमेंट का जो बॉस है उससे NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसकी कोई भी उम्र हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कि कोई भी उसकी क्लास हो, कुछ भी हो, वो अटेंड कर सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी तैयार कर रही है, और मई में आपको याद होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन करा था IIT खड़गपुर के रेकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साइंस के साथ, जिससे मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनमें ये एक 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 चार्ट तैयार कर सके, जिससे वो कितने खुश हैं ये पता कर सके। मुख्यमंत्री की मेधावी योजना वो शुरू करी है उन्होंने। अगर 12वीं क्लास का कोई बच्चा है उसके 70% नंबर आ जाते हैं तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। ये है चीफ मिनिस्टर्स मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसमें योजना में ये है कि जो JEE मेन एग्जामिनेशन होता है, अगर कोई बच्चा उसे क्लियर कर लेता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक उसे मिलेगा, उसे इस स्कीम के तहत 1.5 लाख रुपये तक उसे अमाउंट मिलेगा। और जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया था वो 6 से बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दिया है, यानी ये उन्हीं परिवारों के बच्चों को मिलना था पहले जिनकी सालाना इनकम 6 लाख तक है, अब इसे बढ़ा के 6 लाख से कर दिया है 8 लाख, यानी अब आपके परिवार की अगर सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो आप इस स्कीम को बेनिफिट इसका ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फेयर ये 14 दिसंबर से आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल त्योहार भोपाल में आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन करा मध्य प्रदेश में जो हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री भी यही है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसका उद्घाटन करा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को भारत का
बेस्ट स्टेट बना देंगे 2023 तक। ये इन्होंने अपना टारगेट रखा है, ये इनका ड्रीम है, इन्होंने शपथ ली एक तरह की। डेवलपमेंट विजन 2023 रेडी है उन्होंने कहा है, और मध्य प्रदेश को हम एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज में भारत का नंबर वन स्टेट बना देंगे 2023 तक। मध्य प्रदेश ने गुड सेमेरिटन पॉलिसी स्टार्ट करी है। ये गुड सेमेरिटन पॉलिसी इसी नाम से दिल्ली की सरकार ने स्टार्ट करी थी 2017 में, आपको याद होगा। उसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है एक्सीडेंट के बाद, तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा, वो है गुड सेमेरिटन सरकार की नजरों में। लेकिन ये दूसरा है, ये सीनियर सिटीजन के लिए, ये इंदौर पुलिस ने स्टार्ट करा है। ये एक इनोवेटिव स्कीम है ओल्ड एज लोगों के लिए, ओल्ड एज की सहायता करने वाले लोगों के लिए। इसमें बेसिकली ये है कि जो पुलिस है, अंडर द पुलिस पंचायत अ सीनियर सिटीजन सर्विस कार्ड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, इन विच इंदौर पुलिस हैव इंट्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट सिक्योरिटी कार्ड। देखिए, दो तरह के कार्ड बनाए हैं इंदौर की पुलिस ने, दो तरह के अलग अलग सिक्योरिटी कार्ड बनाए हैं, एक है सिल्वर कार्ड और एक है सिंपल कार्ड। इन दोनों कार्ड्स पे जो भी बेनिफिशियरी है उसका एड्रेस भी रहेगा, उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी, उसका फोटोग्राफ रहेगा। इन दोनों कार्ड के अलग फीचर हैं। सिल्वर कार्ड उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो अकेले रहते हैं, और सिंपल कार्ड उनके लिए है जो अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। सो ये गुड सेमेरिटन स्कीम हेल्प करेगी ओल्ड पीपल की। इसके अलावा इंदौर की पुलिस ने एक एमओयू साइन करा है हॉस्पिटल्स के, जो इंदौर के हॉस्पिटल हैं उनके साथ, जहां पे सीनियर सिटीजन को सारी मेडिकल सर्विसेज पे कंसेशन मिलेगा, भारी छूट मिलेगी 10% से 50% तक। सो ये था मध्य प्रदेश का कंप्लीट वीडियो, एकदम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थी इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स की, पूरे एक साल के करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में। और याद रखिए, मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं, स्टडी आईक्यू के बहुत सारे पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं, आप एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। कोई भी पेनड्राइव कोर्स आप खरीद सकते हैं, घर बैठे आपको पूरा वीडियोस के रूप में सिलेबस मिलेगा। जिस तरह आपने ये वीडियो देखा उसी तरह से आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, 100% कवरेज होगी सिलेबस की, और सारे पेनड्राइव कोर्सेज जो अपने फील्ड में माहिर टीचर्स हैं उन्होंने तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।